बच्चों नमस्कार, क्या हालचाल, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग, और जी हाँ, ये वन शॉट होने वाला है केमिकल बॉन्डिंग का, और इसमें आपको मिलने वाले हैं खूब सारे जुगाड़, खूब सारे MDJ, जिससे आप केमिकल बॉन्डिंग के जो सवाल हैं वो फ्रैक्शंस ऑफ जो है सेकंड में कर लेंगे आप, है ना। खूब सारी चीजें आपको यहां पर मिलने वाली हैं। आ जाइए तो फिर बात करते हैं, शुरू करते हैं। नाम मेरा मोहित दादीच, ठीक है। एक चैप्टर हमारा हो चुका है, माइंड मैप सीरीज जो हमारी चल रही है उसमें एक चैप्टर हम पीरियोडिक टेबल का कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। मोटे मोटे तौर पर पूरा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जो है वो ये रहा आपके सामने। क्या पता होना चाहिए, हाँ, ऑक्टेट रूल वगैरह नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पहले ही कह रहा हूं। जिस तरह से मैंने पीरियोडिक टेबल में क्या नहीं पढ़ाया, डेवलपमेंट नहीं पढ़ाया, तो वहां पे कुछ लोग कमेंट्स लिख भी रहते, कुछ बच्चे की डेवलपमेंट नहीं पढ़ाया। बेटा डेवलपमेंट पढ़ाने के लिए थोड़ी रिवीजन होता है, हैं, वन शॉट है वो, तो इसमें चीजें कुछ हटाई भी जाती है, बिना काम की चीजें हटाई जाती है। यहां पर ऑक्टेट रूल है, हटा दिया। फॉर्मल चार्ज से हम शुरू करेंगे, एवरेज फॉर्मल चार्ज, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, ये कुछ सीखेंगे हम ऑक्सो एनायंस के, और शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करेंगे, ठीक है, बॉन्ड एंगल की हम बात करेंगे, यूज ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। ये दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, जब हमको समय मिलेगा तब हम इनके बारे में बात कर लेंगे। पहले हम ओवरलैपिंग देखेंगे, डाइपोल मोमेंट देखेंगे, आयनिक बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज देखेंगे, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे, MOT पढ़ेंगे, एच बॉन्डिंग एंड डाइपोल फोर्स पढ़ेंगे। मतलब कुल मिला के हम सारी चीजें जो मेन कहते हैं ना कि बैकबोन है केमिकल बॉन्डिंग की, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, समय हमारे पास कम है, माल हमारे पास ज्यादा है, इसीलिए इसको हम फटाफट खत्म करते हैं। आइए सबसे पहले देखिए फॉर्मल चार्ज दिखा हुआ है। फॉर्मल चार्ज का मतलब है एक्स्ट्रा चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इन गिवन लुइस डॉट स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर हमको मिलती है उसमें जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो उसको हम फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज इज ए नॉर्मल चार्ज। सर चार्ज क्यों आएगा, अरे भाई चार्ज किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रॉन या तो खाएगा या इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन के गेन करने से और इलेक्ट्रॉन को लूज करने से, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग और लूजिंग से जो है वहां पर हमको चार्ज मिलने वाला है। फॉर्मल चार्ज का सीधा हिसाब किताब है, जितने होने चाहिए माइनस जितने हैं। सर ये क्या है, बताते हैं। जितने होने चाहिए का मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन गिवन स्ट्रक्चर। लुइस डॉट स्ट्रक्चर हमको बनाना आनी चाहिए। जैसे ये रहा O3, O3 के अंदर फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो सबसे पहले आपके सामने एक डाउट आएगा कि O3 की स्ट्रक्चर कैसे बनाऊं। तो देखो बेटा, ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है, 6। तो जुगाड़ बताता हूं क्या, कि अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। एक ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो 6+6+6 कितने हो गए, 18। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, ये फॉर्मल चार्ज जब हम पढ़ाते हैं तो ऑक्टेट रूल ये कहता है कि हर ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। तो फिर रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो रिक्वायर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन के पास 8 8 8 होने चाहिए, ये हो गए आपके 24। इनका डिफरेंस निकाल दो, जो डिफरेंस निकालोगे वो आएगा, डिफरेंस आएगा नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर, कि कितने इलेक्ट्रॉन, ये जब O3 कंपाउंड बनेगा, O3 मॉलिक्यूल बनेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तो उसमें आ रहे हैं आपका 24 माइनस 18 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 6, ठीक है। फिर बॉन्ड अगर निकालना है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालना है, तो आप 6/2 कर दीजिए, नंबर बॉन्ड आ गए कितने, 3। जुगाड़ क्या है, सबसे पहले जो भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है ये उसके लिए लगेगा जिससे ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, ठीक है, और ये चीजें हमेशा उन्हीं के लिए पूछी जाती है। तो हमको ये समझ आया कि ऑक्सीजन है ये वाला, 3 ऑक्सीजन है ये वाले, ठीक है, और बीच में 3 बॉन्ड है, कितने बॉन्ड आए, 3, तो एक तरफ डबल एक तरफ सिंगल कर दो, आप इधर सिंगल उधर डबल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 ऑक्सीजन को जोड़ने का यही तरीका हो सकता है। अब इनका ऑक्टेट पूरा करना है, क्या करना है, इनका ऑक्टेट पूरा करना है। देख लो बेटा, एक एग्जाम्पल ही समझाऊंगा, समय कम है। यहां पर 1 2 3 4, ठीक है, तो 5 6 7 8 इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, क्योंकि इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा कब होगा, जब आप इसको ऐसे देखोगे,
तभी मान लोगे ऑक्टेट, यानी कि इस व्हाइट वाले सर्कल में, व्हाइट वाले सर्कल में आपके इस व्हाइट वाला जो घेरा बनाया मैंने, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 4 तो बॉन्ड में आ गए, तो फिर बचे हुए 4 मैंने नीचे लगा दिए। उसी तरह से अगर यहां पर ये ग्रीन वाला सर्कल है ना, ग्रीन वाला सर्कल है, तो इस ग्रीन वाले सर्कल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, और होने चाहिए कितने सर्कल में, 8 होने चाहिए। तो फिर यहां पर कितने आएंगे, 1, 2 यहां आ गए, तो क्या यहां पर 6 बचेंगे, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये देखो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इस सर्कल में 8 होने चाहिए। उसी तरह से ये जो ऊपर वाला है उसका भी कोई सर्कल बनेगा, है ना, उसका सर्कल कैसे बनाएंगे, आइए देखा बताते हैं। उसके सर्कल को भी देखिए, मान लो एक और सर्कल बनाया मैंने यहां पर, ये देखो, ये देखो इधर से यहां तक बनेगा, बन गया। अब इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो दिख रहे हैं, तो बचे कितने, सिर्फ 2 ही बचे ना 8 के लिए, तो यहां पर लगा दिया, ये देखो बन गई इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब हमको करना कुछ नहीं है, अब हमको फॉर्मल चार्ज निकालना है, और फॉर्मल चार्ज निकालने का सीधा सीधा तरीका बताता हूं, वापस से सुन लो। फॉर्मल चार्ज के लिए इधर से ये स्ट्रक्चर में वापस बना रहा हूं बेटा, फॉर्मल चार्ज के लिए ये वाली स्ट्रक्चर में यहां वापस बना रहा हूं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, ठीक है, यहां 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3, ये वापस से वो सब बना रहा हूं, वो सर्किल की वजह से हटा दिए थे मैंने, है ना, ये लो यही सब बनाया हमने, ठीक है भाई। अब देखो कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे समझो कि जब आप फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो इधर इधर के अलग काउंट करो, इधर इधर के अलग काउंट करो, मतलब ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, है ना, ये देखो। अब इस वाले ऑक्सीजन का अगर मुझे फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते कितने, फ्री स्टेट में 6 होते हैं, कितने होते हैं 6, तो ये 6 लिख दिया। अब अभी कितने हैं इस ऑक्सीजन के पास, तो ऐसे काउंट करेंगे, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, यानी 6 - 7 कितना हो गया, -1, 6 - 7 का मतलब चार्ज कितना हो गया, ये -1 हो गया। जितने होने चाहिए 6 होने चाहिए, कितने हैं अभी, 7 हैं, इस तरफ के काउंट करने सिर्फ। फिर ये देखो इस वाले ऑक्सीजन पे निकालते हैं, होने कितने चाहिए 6, अभी कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 - 5 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, +1, फॉर्मल चार्ज आ गया +1। उसके बाद यहां पर देखो ये कितने हैं 6, ये कितने हैं 6, अब होने तो 6 ही चाहिए, ऑक्सीजन है तो 6 ही होने चाहिए ना, हर ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 6 ही होते हैं, तो 6 हैं, तो 6 यहां कितने हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 - 6, फॉर्मल चार्ज आ गया 0। तो आपने निकाले होंगे, फॉर्मूले भी लगाए होंगे, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मल चार्ज का सीधा फॉर्मूला है कि फ्री स्टेट में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो उससे कम ज्यादा निकालने हैं हमको, एक्स्ट्रा चार्ज तभी निकाल पाओगे। तो कैसे पता लगेगा कि जितने फ्री स्टेट में होने चाहिए उसमें से आपको जो भी गिवन स्ट्रक्चर है, सपोज आपको O3 की गिवन स्ट्रक्चर है, उसमें ऑक्सीजन के 3 ऑक्सीजन है, तीनों के पास उस वक्त कितने कितने इलेक्ट्रॉन है। घर से निकला था 6 लेकर, आज इसके पास 7 है, तो -1 है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ये घर से निकला था 6 लेकर, आज इसके पास 5 है, तो ये +1 हो गया। ये घर से निकला था 6 लेकर, आज भी इसके पास 6 है, तो कोई डिफरेंस नहीं आया, फॉर्मल चार्ज 0 हो गया। ऐसे देखते हैं, फॉर्मल चार्ज का सीधा तरीका है इस तरह से निकालने का, फॉर्मल चार्ज होता है, ठीक है भाई। तो ये मेरे ख्याल से आपको फॉर्मल चार्ज समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूं एक और जुगाड़, वो जुगाड़ क्या कि जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड हो तो उसका फॉर्मल चार्ज हमेशा -1 होता है, जब ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो तो उसका फॉर्मल चार्ज 0 होता है, और जब ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्डेड हो तो उसका फॉर्मल चार्ज +1 होता है। आओ यहां पर सब समझ आ रहा है ना, यहां पर वो चीज सारी है, सारे के सारे इसमें दिखा हुआ है आपको। देखो देखो ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड था, ये वाला ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड है -1, ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है 0 चार्ज, ये वाला ऑक्सीजन ऊपर वाला ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्डेड है, 2 इधर 1 इधर, 3 बॉन्ड हो गए तो +1। तो यही तो मैंने बोला है कि यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कि जब जब भी ऑक्सीजन माइनस चार्ज एक माइनस मतलब सॉरी जब जब भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होगा -1, डबल बॉन्डेड होगा 0, एंड ट्रिपल बॉन्डेड होगा वो किसी भी तरह से हो सकता हो, 1 तरफ 3 और 1 तरफ 2 1 तरफ 1, टोटल मिला के 3 होने चाहिए, तो ये हो जाएगा +1। इस जुगाड़ से हमने एक चीज सीख ली, अब हम करते हैं जादू। अब हम क्या करते हैं, जादू सिखाते हैं। आइए देखो, एवरेज फॉर्मल चार्ज एंड एवरेज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सम ऑक्सो एनायंस। आपके सामने मान लीजिए कोई ऑक्सो एनायन दे दिया इस तरह से, आपको बता दिया सल्फेट SO4 2 माइनस, क्या दे दिया SO4 2 माइनस।
SO42 माइनस में अब हमको स्ट्रक्चर बनानी है, ये पता है कि सल्फर बीच में होगा और चार ऑक्सीजन ऐसे होंगे होंगे, लिखो MDJ, क्या लिखा हुआ है MDJ, जुगाड़ क्या कहता है, जुगाड़ कहता है कि जितना नेगेटिव उतने सिंगल बॉन्डेड, बाकी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, बताओ कितना सिंगल है, तो बोले कि जितना नेगेटिव उतना सिंगल, बिकॉज जो नेगेटिव फॉर्मल चार्ज वाले हैं वही सिंगल बॉन्डेड होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं डबल बॉन्डेड। तो बताओ इस पर माइनस दो है, यानी इसमें से दो ऑक्सीजन ऐसे हैं जो सिंगल बॉन्डेड हैं, बाकी दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, ये सल्फेट आयन बन गया बेटा, ये सल्फेट आयन की स्ट्रक्चर बन गई। अगर आप कार्बोनेट आयन बनाना चाहते हो बन जाएगा, कार्बोनेट आयन बना दीजिए, देखो यहां पर कार्बोनेट आयन बना दिया CO32- तुरंत बना दो, ये कार्बन ये ऑक्सीजन कितनी तरफ, तीन तरफ, दो माइनस यानी दो सिंगल और जो सिंगल है उस पर माइनस और बाकी डबल, दो सिंगल क्योंकि दो माइनस है, दो सिंगल क्योंकि दो माइनस है, ClO4- पर क्लोरेट आयन ClO4-, ये देखो ये Cl, ये ऑक्सीजन कितने चार, अरे माइनस कितनों पे है, एक माइनस है यानी एक सिंगल है, बाकी तीनों डबल डबल, ये पर क्लोरेट आयन हो गया। उसके बाद आप चाहते हो कि नहीं हम तो क्या बोलते हैं H2SO4 हो गया, कार्बोनेट हो गया, आप मान लीजिए PO4 फॉस्फेट आयन बना दीजिए, PO43-, ये फॉस्फोरस ये डबल बॉन्ड, यहां पर बना दिया हमने फॉस्फोरस, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, अरे तीन माइनस मतलब तीन सिंगल और एक डबल, बन गया ये फॉस्फेट आयन, क्या हो गया ये फॉस्फेट आयन, इस तरह से स्ट्रक्चर बन सकती है। अब मजे की बात यह है कि ये जो माइनस चार्ज होता है ना, ये माइनस चार्ज इन चारों ऑक्सीजन पे घूमता है, तो फिर हम इस ऑक्सीजन का और इस ऑक्सीजन का चार्ज नहीं निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे कि टोटल चार्ज कितना है माइनस दो, घूमेगा कितने पर चार पर, रेजोनेंस होता है इस पे। तो इसका एवरेज फॉर्मल चार्ज ऐसे लिखते हैं, एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा -2/4, क्या हो जाएगा -2/4, यही चीज इसका क्या हो जाएगा एवरेज फॉर्मल चार्ज, इसका क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा, इसका एवरेज फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा, ये -1 चार पे घूमेगा तो ये हो जाएगा -1/4, इसका कितना हो जाएगा, तो ये -3 चार पे घूमेगा तो इसका हो जाएगा -3/4, ये इसके एवरेज फॉर्मल चार्ज आ गए। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, ये जो बॉन्ड ऑर्डर है मतलब ये टोटल नंबर, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करें तो यहां पर कितने बॉन्ड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 बॉन्ड है, और कितने ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में है, एक सल्फर ऑक्सीजन का पेयर, दूसरा सल्फर ऑक्सीजन का पेयर, तीसरा चौथा, मतलब या यूं कह लो टोटल टोटल सराउंडिंग में कितने ऑक्सीजन है, चार है, और बॉन्ड टोटल कितने दिख रहे हैं, 6, तो यहां पे लिख देंगे एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, क्या लिख देंगे एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका 6/4, वो तो हो गया एवरेज फॉर्मल चार्ज, और इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, टोटल बॉन्ड कितने हैं 1, 2, 3, 4, यानी कि ये हो जाएगा 4/3, यहां पे कितना है 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि हो जाएगा ये 5/4, ये एवरेज बॉन्ड ऑर्डर हो गया, ये कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि ये हो गया आपका 7/4, ये लो ये हो गया आपका 7/4, ये एवरेज फॉर्मल चार्ज और एवरेज बॉन्ड ऑर्डर आप ऐसे निकाल सकते हो। समझ में आया, खूब सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। सीधा आते हैं फॉर्मल चार्ज पे, कोशिश करिएगा आप लोग, मैं आपको देकर जा रहा हूं, आप CO2 की स्ट्रक्चर बना के देखिएगा ठीक है, और उसका फॉर्मल चार्ज भी निकाल लीजिएगा, चलो CO कर लेना, CO कर लेना है ना, CO की स्ट्रक्चर बना दीजिएगा और फॉर्मल चार्ज निकाल दीजिएगा उसका, ठीक है कर लोगे भाई, ठीक है ये करने की कोशिश करना, कुछ नहीं है बता देता हूं, चलो CO बहुत आसान है, देखो कार्बन के कितने होते हैं वैलेंस शेल में, 4, ऑक्सीजन के 6, मतलब अवेलेबल है 10, रिक्वायर्ड कितने हैं दोनों को 8, 8, मतलब 16, डिफरेंस बोलो कितना, डिफरेंस हो गया आपका 16-10 मतलब 6, 6 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, तो बॉन्ड कितने हो जाएंगे, बॉन्ड हो जाएंगे नंबर ऑफ बॉन्ड हो जाएंगे 6/2, कितना हो जाएगा 3, तो मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड है, इनका ऑक्टेट पूरा करना है तो मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होगा भाई 7, 8 ऐसा ही ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ये लो उसी तरह से उधर कार्बन में भी देखो 1, 6 इधर है तो 2 इधर हो जाएंगे, ये लो हो गया ऑक्टेट पूरा हो गया। अब फॉर्मल चार्ज निकालना है तो बीच में लाइन अज्यूम कर लो ताकि उधर उधर का ही काउंट करो, गलती नहीं करोगे, होने कितने चाहिए 4 है, कितने 1, 2, 3, 4, 5, 4-5 इसका फॉर्मल चार्ज -1, इसमें देखो होने कितने चाहिए 6, ऑक्सीजन के पास कितने होना चाहिए 6 है, कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6-5 कितना हो गया +1, ये इसका फॉर्मल चार्ज आ गया, ठीक है ये CO हो गया आपका,
तरीका अच्छा है, ठीक है, कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, दो मॉलिक्यूल बता दिए, मैं सोचकर तो सिर्फ ओजोन आया था। एनीवेज कोई बात नहीं, आइए अब आते हैं सबसे बड़ी थ्योरी जिससे हम शेप और ज्योमेट्री निकालना सीखेंगे। शेप ज्योमेट्री एक जैसा होता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं होता। जब ज्योमेट्री के आगे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री वर्ड लिखा हो, जब ज्योमेट्री के आगे हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री वर्ड लिखा हो, तब हम ज्योमेट्री अलग मानते हैं शेप से। अदरवाइज केवल ज्योमेट्री अगर शब्द लिखा हुआ है तो शेप और ज्योमेट्री एक ही होगा, ठीक है। और विदाउट लोन पेयर जो देखा जाता है वो शेप और ज्योमेट्री होता है। VSEPR एक रिपल्जन थियोरी है, स्ट्रक्चरल थियोरी है ना, जो कि रिपल्जन बेस्ड थियोरी है। एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, यानी कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके पेयर्स होंगे। हो सकता हो वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं गए हों, कुछ गए हों, कुछ बच गए हों। जो बच जाते हैं उनको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग पेयर्स, एंड जो चले जाते हैं उनको बोलते हैं बॉन्डिंग पेयर्स। नॉन बॉन्डिंग पेयर्स का एक और नाम होता है बेटा लोन पेयर। क्या होता है? लोन पेयर। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है और हर मॉलिक्यूल उस रिपल्शन को कम करना चाहता है ताकि वो उस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कर ले, ताकि वो मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हो जाए। तो हर मॉलिक्यूल की एक खास बात होती है कि वो स्पेस के अंदर एक ऐसी ज्योमेट्री एक्वायर कर लेता है जिसमें इन इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए और डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए, ठीक है भाई। तो ये हो गई बात। फिर रिपल्शन कितने तरह का हो सकता है और उसका ऑर्डर क्या है? तो लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है ना। अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दो ही तरह के तो पेयर हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन के, नॉन बॉन्डिंग पेयर और बॉन्डिंग पेयर। तो ये तो नॉन बॉन्डिंग पेयर है और ये क्या है? बॉन्डिंग पेयर है। तो लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन उससे कम होगा और बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होगा। ये ऑर्डर जरूर ध्यान रख लेना, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा। ज्योमेट्री और शेप इज मेनली डिपेंड्स ऑन लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड पेयर्स। ये कह रहा है कि किसी की मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर पे डिपेंड करती है, पाई बॉन्ड का इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। यानी कि हम लोग अगर लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने हैं ये पता कर लें तो शायद हम मॉलिक्यूल की शेप निकाल पाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री बनाने में दो ही चीज का हाथ है, या तो सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर, ठीक है भाई। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के नंबर से डिसाइड होती है ज्योमेट्री मेनली। तो चलिए कैसे कैसे निकालते हैं देखते हैं। आइए, हमारे पास टाइप ऑफ मोनोसेंट्रिक मॉलिक्यूल्स इस तरह के टाइप होते हैं, यानी कि एक सेंट्रल एटम होगा, ए जो होगा वो आपका सेंट्रल एटम होगा, बी जो होगा वो आपका सिग्मा बॉन्ड पेयर्स बोल दो, या फिर आप नंबर ऑफ मतलब सराउंडिंग एटम्स बोल दो। या तो बी को आप बी को क्या बोल दो? सिग्मा बॉन्ड, या फिर बोल दो कि जितने सराउंडिंग उतने सिग्मा बॉन्ड तो होंगे ही ना बेटा। तो इसीलिए बी जो है वो सराउंडिंग एटम्स भी बोल सकते हो और बी को सिग्मा बॉन्ड भी बोल सकते हो। फिर नीचे जो बी के नीचे एन लिखा हुआ है वो एन है या तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, वो भी कौन से? सिग्मा वाले। कौन से वाले? सिग्मा वाले। या तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर या फिर नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, ऐसा बोल सकते हो। अरे भाई सिंपल सी बात है, कोई मान लीजिए कोई सेंट्रल एटम चार सराउंडिंग एटम से बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब है चार सिग्मा तो हो ही गए। अब हो सकता हो कि उनमें कोई पाई बॉन्ड भी हो, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड भी बना हुआ है, लेकिन पाई को तो हम इंक्लूड कर ही नहीं रहे ना ज्योमेट्री और शेप में। हम इंक्लूड किसको कर रहे हैं? सिग्मा को कर रहे हैं। तो मैं ये बात तो तय है कि बोल सकता हूं कि जितने सराउंडिंग एटम्स हैं उतने सिग्मा तो होंगे ही होंगे, जितने सराउंडिंग एटम्स हैं उतने सिग्मा तो होंगे ही होंगे। फिर ये देखो एल, एल का मतलब है लोन पेयर, और एल के नीचे एक नंबर है एम, उसका मतलब है नंबर ऑफ लोन पेयर। तो हमको कुल मिला के एन और एम निकालना है। एन और एम कैसे निकालते हैं? अगर हमको एन और एम के नंबर मिल गए तो फिर हम टाइप पर पहुंच जाएंगे। जैसे हो सकता हो ऐसा कुछ बन जाए ए बी फोर एल जीरो। क्या बन जाएगा? ए बी नीचे वाला नंबर अगर फोर आ जाए और ये जीरो आ जाए तो ये बन जाएगा ए बी फोर एल जीरो। हो सकता हो ये ए बी 4L2 हो जाए, हो सकता हो ये AB5L1 हो जाए। यानी कि कुल मिला के ये N और M के नंबर हमको निकालने हैं। N का मतलब है कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और M का मतलब है कितने उसमें लोन पेयर हैं।
तो देखिए आइए यहां पर लिखा हुआ है, सिखाया हुआ है हाउ टू कैलकुलेट एन एंड एम इन ए बी एन एल एम। उस ए बी एन एल एम में एन और एम कैसे निकालते हैं, आ जाइए। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, क्या निकालना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई एट। ऐसा आपको अभी एक एग्जांपल करूंगा, आप समझ जाओगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई एट करना है, ऐसा आपको एक डिवाइड करना है ना, है ना, डिवाइड करना, भाग देना है आपको। और उस भाग में जो कोशेंट होता है, कोशेंट है ना, वो कोशेंट जितना भी आएगा वो आपका एन होगा, ठीक है। अगर पूरी पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर नहीं आएगा, और अगर रिमाइंडर आता है तो हमको पॉइंट्स में आंसर नहीं निकालने हैं, हमको कोशेंट निकाल के छोड़ देना है। कोशेंट तो एन हो ही गया आपका। अब मान लो रिमाइंडर बचा, तो जितना रिमाइंडर बचता है उसको डिवाइड बाई टू कर देंगे तो वो नंबर ऑफ लोन पेयर हो जाएंगे। उसको क्या कर देंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे निकाल देंगे, अगर किसी में कोशेंट ही आया, रिमाइंडर बचा ही नहीं, भाग पूरी पूरी तरह से चले गया, वो कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो फिर सिर्फ कोशेंट आएगा। और अगर पूरी तरह से नहीं जा रहा है, डिवाइडेशन जो है वो पूरी तरह से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि कोशेंट भी आएगा और रिमाइंडर भी आएगा। तो रिमाइंडर जितना बचेगा उसको डिवाइड बाई टू करेंगे, मतलब रिमाइंडर की जो भी वैल्यू होगी उसको आधा कर दो, वो आपका नंबर ऑफ लोन पेयर हो जाएगा। इस ट्रिक को जब सराउंडिंग में हाइड्रोजन एटम हो तब यूज नहीं करना है, और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए भी यूज नहीं करना है। घबराने की बात नहीं है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मुश्किल से 5-6 आपके सामने आएगी आपके पूरे सिलेबस में, और हाइड्रोजन वाले जब आपके सामने आएंगे तो आपको लगेगा ये तो और आसान है, उसमें अगर हम ये फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो और आसान चीज हो गई, अभी आप समझ जाओगे कैसे। आइए यहां पर सबसे पहले ये एक काम करते हैं, ये एक लिस्ट आपके सामने लेकर आता हूं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एन और एल की वैल्यू है, मतलब सिग्मा बॉन्ड पेयर की और लोन पेयर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। अगर 2 σ 0 लोन पेयर तो वो लीनियर होता है, अगर 3 σ 0 लोन पेयर तो वो ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो ये जितने मैंने लिखे हुए हैं ये सब, ये तो हैं विदाउट लोन पेयर वाले, और ये कैस हैं सारे के सारे लोन पेयर वाले। इनके सबके मैंने शेप के नाम लिखे हुए हैं, सारी की शेप इसमें लिखी हुई है, देखिए सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप है, जैसे अभी हम सवाल करेंगे तो जब हमारा मॉलिक्यूल इनमें से किसी भी टाइप का निकल आएगा तो उसके बिहाफ पर हम नाम बोल देंगे, सीधा सीधा क्या बोल देंगे, उसके नाम हम बोल देंगे। तो जरा देखें यहां पर सबसे पहला काम करते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एग्जाम्पल उठाते हैं किसका, SO2 का, किसका उठाते हैं, SO2 का। ये देखो SO2 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 8 करना था भाई, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 8 करना था। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कौन बताएगा, 6। अरे उतने ही होते हैं जितने ऑक्सीजन के होते हैं, तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन के भी 6, कितने ऑक्सीजन है, 2 हैं। तो वाकई में इसमें टोटल एटम कितने हो गए, 3 हो गए। अब 3 हो गए तो तीनों में 6-6 हैं, फिर डिवाइड बाई आपको 2 करना है, कितने हो गए ये, 18/2। जब आप 18/2 करोगे तो इसमें कोशेंट आएगा आपका 2, कोशेंट कितना आएगा 2, और रिमाइंडर आएगा आपका, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर भी आएगा आपका 2। तो रिमाइंडर डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा आपका 1। ये आपका हो गया M और ये आपका हो गया N, यानी कि ये तो हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, लोन पेयर। यानी कि मैं आप कैसे लिख दूं, ए बी एन एल एम, तो मैं कैसे लिखूंगा, ए बी टू एल वन, और ए बी टू एल वन बेटा इधर पीछे देखो क्या होता है, बेंट शेप का होता है। तो हम लिख देंगे एसओ टू की ज्योमेट्री क्या होती है, शेप क्या हो गया है, बेंट हो गया है, सीधा, ठीक है। सर हाइड्रोजन वाला करके बताओ, ये तो समझ आ गया कि कैसे करना है ना, हाइड्रोजन वाला करके बताओ। चलिए हाइड्रोजन का बहुत आसान, जैसे सबसे पहले इसमें नहीं है मैं उठा लेता हूं, एक काम करते हैं पहले तो यहां पे लिख देता हूं, एक CH4 ले लेते हैं, ठीक है भाई, आसान आसान करेंगे। CH4 ले लिया मैंने, क्या ले लिया, CH4। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन क्या करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कार्बन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, कितने होते हैं, 4। अब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 4 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब हर एक हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन खा जाएगा ना, ये देखो खा गया, तो बताओ इसके पास कुछ बचा,
या सबके सब बॉन्ड में काम आ गए, तो आप बोलोगे सबके सब बॉन्ड में काम आ गए। तो बहुत आसान तरीका है कि जितने दिख रहे हो हाइड्रोजन उतने उसके वैलेंस शेल में से माइनस कर दो, और अगर बच जाते हैं तो वो लोन पेयर हो जाएंगे। अगर मान लीजिए मैंने कहा वैलेंस शेल में कितने होते हैं, चार, अब मैं बोलूंगा चार के चार काम आ गए, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, और आसान है, जितने हाइड्रोजन उतने वैलेंस शेल में से माइनस कर दीजिए। कार्बन के वैलेंस शेल में होते ही चार हैं और चारों काम आ गए, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, चार, चारों काम आ गए, तो बताओ क्या लिख दोगे, ए बी फोर, कुछ बचा नहीं तो लोन पेयर जीरो हो गया। ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कैसा हो गया, ये टेट्राहेड्रल, पीछे नाम लिखा हुआ है बेटा, पीछे लिस्ट में नाम है AB4L0 का। मान लीजिए मैंने ले लिया NH3, क्या ले लिया, NH3। बोलो बेटा नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पांच, हाइड्रोजन कितने हैं, तीन, यानी कि पांच में से सिर्फ तीन काम आए हैं, यानी यहां सिर्फ AB3 आएगा, और पांच में से अगर तीन काम आए हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, दो। अरे बेटा दो इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, पेयर लिखोगे तो वन करना पड़ेगा, इसीलिए यहां पर पेयर के नाम पर वन आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टोटल दो बचे हैं, पेयर का मतलब डिवाइड बाई टू कर दिया, तो ये AB3L1 हो गया। इसका नाम होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ऐसा होता है इसका ट्राइगोनल पिरामिडल। अब जरा इसमें से और आप बताओ वो कर सकते हैं, जैसे NH4+ कर दिया बेटा, ना प्लस वाला भी समझ लो, NH4+ है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते कितने हैं, पांच, जब कभी प्लस देखो तो एक कम कर दो, अब पांच होते हैं एक कम हो गया तो चार हो गए, फिर देखो कि चार के चार वापस काम आ गए क्योंकि H4 है, तो ये बन जाएगा बेटा AB4L0, ये फिर से क्या हो गया, टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये H3O पॉजिटिव है, इसको देख लेते हैं, आइए H3O प्लस को भी देख लेते हैं, H3O प्लस को देख लेते हैं, आइए H3O प्लस, ठीक है भाई, H3O पॉजिटिव, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, छह, प्लस हैं तो एक कम कर दो, पांच, पांच में से काम कितने आ गए, तीन, तो लिख दूंगा AB3, और पांच में से तीन काम आ गए, बचे कितने, दो, तो फिर से लोन पेयर बचेगा एक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दो बचे तो पेयर एक हो जाएगा, पेयर का मतलब डिवाइड बाई टू होता है, तो ये अगेन क्या हो गया आपका, ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया, ठीक है। जब माइनस हो तो एक ऐड कर दो, जब माइनस हो तो एक ऐड कर दो, जैसे बोरोन है BH4- हो गया, ठीक है, बोरोन के वैलेंस शेल में होते कितने हैं, तीन, बोरोन के ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जरूर याद कर लेना यार, है ना, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जरूर याद कर देना, बोरोन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तीन, एक और जोड़ दो कितने हो गए, चार, चार के चार काम आ गए, हो गया क्या, AB4L0 टेट्राहेड्रल, कैसा हो गया ये, टेट्राहेड्रल, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बता देता हूं मैं किसके कितने होते हैं, इधर देख लो, है ना, बार 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 दिक्कत आएगी, मैं बताता हूं, लिथियम है ना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये एक, ये बेरिलियम के दो, है ना, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, है ना, और नियोन, इसके तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात, ये आठ। मजे की बात यह है कि इनके नीचे भी जो होगा वो सेम होगा, यानी कार्बन के नीचे सिलिकन आता है तो वो भी चार होगा, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आता है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, पांच, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है तो उसके भी छह होंगे, यानी ग्रुप में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम रहेंगे। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है तो फ्लोरीन के अगर सात हैं तो क्लोरीन के भी कितने होंगे, सात होंगे, ब्रोमीन के भी कितने होंगे, सात होंगे, यानी कि वो बदलेगा नहीं। तो हमको खाली ये याद रख लेना है स्टार्टिंग का, बस ये ना पहला पहला याद रख लेना, बाकी ग्रुप में क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलिए अब जादू करते हैं, जादू, जादू दिखाएं आपको, आ जाइए, जादू होगा, अब जादू क्या होगा सुनो, अगर मैं ये कहूं कि N+M जो होता है उसका मतलब है सिग्मा प्लस लोन पेयर जो होता है वो ही क्या होता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल के बराबर होता है, है ना, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। सर ये क्या बोल रहे हो, अभी देखो बेटा जादू तो होगा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अगर अभी सुनना, मैंने हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं ये बोलूं कि अगर N+M की टोटल, अगर N+M का टोटल दो आए, तीन आए, चार आए, पांच आए, छह आए, सात आए, तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो आप। अब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये लो,
टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखो, अगर दो हैं तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, एक एस और एक पी। अगर तीन है तो तीन होंगे, एक एस एक पी एक और पी, बोले तो एस पी टू। चार है तो एक एस दो तीन पी, यानी कि एक एस तीन पी, और बोले तो ये क्या हो गया एस पी थ्री। अगर पांच है, एक एस तीन पी और एक डी, बोले तो क्या हो गया एस पी थ्री डी। चार नहीं हो सकते, पी के डब्बे तीन ही होते हैं इसलिए तीन ही रहेंगे, ऐसा कोई एस पी फोर मत सोच लेना। अगर यहां एक एस है और यहां पर पी कितने हो जाएंगे तीन, फिर डी कितने हो जाएंगे और ज्यादा, बताओ क्या एस पी थ्री डी टू। बोलो इसका लिखो क्या एस फिर पी फिर पी फिर पी फिर पी फिर डी फिर डी फिर डी, बोलो क्या एस पी थ्री डी। यानी कि सिग्मा और लोन पेयर का टोटल मैं अगर दो बोल दूं टोटल, तो फिर वो sp है, तीन है तो sp3 है, उसके अकॉर्डिंग ये सारे हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसका मतलब सर आपने हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी सिखा दिया, क्यों? क्योंकि मैं जिस तरह से VSEPR पढ़ाता हूं। आइए बेटा देखो अभी करते हैं जादू। जादू कैसा, ये देखो क्या लिखा हुआ है Ab2L1, क्या लिखा हुआ है Ab2L1। अरे n प्लस m को ही तो टोटल करना है, n होता है सिग्मा m होता है लोन पेयर, इनको टोटल कर दो रे। इनको टोटल करोगे तो बताओ दो और एक मिलकर कितने हो गए तीन, तीन का मतलब sp2 खत्म, तीन का मतलब sp2 खत्म। चार जीरो चार sp3 खत्म, तीन एक चार sp3 खत्म, चार जीरो चार sp3 खत्म, तीन एक sp3 खत्म, चार हो गया टोटल, चार जीरो चार sp3 खत्म। ठीक है, सीधा निकाल सकते हो। और आ जाओ और बता देते हैं आपको, और इसमें से जो एग्जांपल करना बताइए, क्या PCl5 बता दूं मैं आपको, फिर ClF3 बता देता हूं। आ जाइए पहले आप देख लेते हैं PCl5, क्या देखें हम PCl5, PCl5 फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं पांच, और ये क्लोरीन के कितने होंगे सेवन, क्योंकि फ्लोरीन के साथ होते हैं, तो ये होंगे सेवन इंटू फाइव कितने हो गए थर्टी फाइव, थर्टी फाइव प्लस फाइव कितने हो गए फोर्टी। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या करना है हमको एट, तो ये फोर्टी डिवाइड बाय एट हो गया, तो ये हो गया पांच। ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आएगा कितना पांच, कोई रिमाइंडर आएगा नहीं आएगा, रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर कितना आएगा जीरो। तो किसका मतलब हुआ ये बच गया आपका ए बी फाइव एल जीरो, पांच और एक। पहली चीज इसका नाम होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्या नाम होता है इसका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये लो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। अब पांच और जीरो कितने होते हैं पांच होते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया एस पी थ्री डी, पांच टोटल, एक एस तीन पी चार और एक पांच डी एस पी थ्री डी, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका, इस तरह से निकाल सकते हो। तो आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी सीख लिया। आप कोई भी एलिमेंट, आप सी एल एफ थ्री लेकर आ जाइए, चलिए आप सी एल एफ थ्री करिए, यहां पर आप सी एल एफ थ्री निकालिए, क्लोरीन के भी सात होते हैं और ऐसे फ्लोरीन के भी साथ ही होंगे। ठीक है, तो चाहे तो आप यहां पर सात इंटू तीन लिख दीजिए या आप टोटल ही सेवन इंटू फोर ही कर सकते थे चलेगा, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे बताया कि क्लोरीन के साथ फ्लोरीन के भी साथ, तो ये कितने हो गए आपके 28, कितने हो गए आपके 28। तो 28 डिवाइड बाई जब आप 8 करोगे, 28 डिवाइड बाई आप जब एड करोगे तो क्वेश्चेंट आएगा इसमें तीन और रिमाइंडर आएगा आपका इसमें चार, और रिमाइंडर डिवाइड बाई टू आएगा इसमें आपका दो, यानी कि ये बनेगा आपका ए बी थ्री एल टू, और इसको बोलते हैं बेंट टी शेप। क्या बोलते हैं इसको, बेंट टी शेप, पीछे लिखा हुआ है लिस्ट में, तीन और दो पांच, हाइब्रिडाइजेशन हो गया एस पी थ्री डी अगेन, क्योंकि पांच जीरो भी पांच एस पी थ्री डी, तीन और दो भी पांच एस पी थ्री डी, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका। ठीक है भाई, तो ऐसे आप मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन सब निकाल सकते हो, जो बच गए हैं वो आपको करने हैं, जो बच गए हैं वो आपको करने हैं। अच्छा, ये जो फॉर्मूला में ऐड कर देना है आपको माइनस वाले, बता देता हूं मैं, जैसे सल्फेट वाला बता दिया मैंने, है ना, सल्फेट वाला बता देता हूं चलो आपको।
सल्फेट वाले में क्या है सर, ये माइनस वालों में क्या करना है, एसओ फोर टू माइनस है, इसको कैसे निकालें, बहुत आसान है। सल्फर के कितने वैलेंस शेल होते हैं, छह हैं, ऑक्सीजन के छह इंटू चार कर दो, चार ऑक्सीजन है, प्लस दो करने हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो वो उस फॉर्मूले में प्लस ऐड कर दो, अगर वहां प्लस है तो वहां माइनस कर देना। अगर यहां ऊपर चार्ज प्लस है और प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन कम होना होता है तो फिर फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा, और अगर यहां पर माइनस है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना होता है, यानी फॉर्मूले में आ जाएगा आपका ये वाला। देखो ये कितने हो गए आपके, ये आपके हो रहे हैं मेरे ख्याल से 32 डिवाइड बाई 8, कितना हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा सिर्फ चार, रिमाइंडर आ गया जीरो, ये बन गया आपका Ab4L0, ये हो गया आपका टेट्रा, और ये आपका हो गया sp3। कैसा हो गया ये आपका sp3, आसान है, बहुत आसान है, ऐसे आप खूब सारे मॉलिक्यूल कर सकते हो। बस ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का ध्यान रखना, वो बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, ठीक है, वो जब आएंगी तो आप अपने आप समझ जाओगे, जैसे ClO2 हो गया, NO2 हो गया, NO हो गया, है ना, ClO3 हो गया, CF3 हो गया, इस तरह की कुछ स्पीसीज होती है ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, है ना, ये सब ओड इलेक्ट्रॉन, इनमें आप वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 8 वाला, वो फॉर्मूला आप यूज नहीं कर पाओगे बेटा इसमें, ठीक है, तो ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। जब कभी ये सामने आए ना तो इनका थोड़ा ध्यान रख लेना, इनके लिए फॉर्मूला नहीं लगेगा, इनका थोड़ा ध्यान रख लेना, है ना, इनको अपने आप जब भी आएगा तो अपने आप समझ लेना, इनको अपने आप समझ लेंगे हम भी, अभी अभी तो क्या है कि रिवीजन कर रहे हैं मेन बैचेस में, तो मैं बता भी देता हूं कि इनका क्या होता है, अभी हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं तो मैंने आपको लिख के बता दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, इनका ध्यान रख लेना, उनके लिए फॉर्मूला मत लगाना, नहीं लगेगा, ठीक है। तो जादू हो चुका है, अब हम हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है ये समझ लेते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं, कौन से ऑर्बिटल, जैसे हमारे सिलेबस में मिक्सिंग सिर्फ एस और पी की दी हुई है ना, sp3d और sp3d2 हम टाइप तो निकालते हैं, लेकिन वाकई में ये हाइब्रिडाइजेशन होता कैसे है, ये ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये एमएससी पीएचडी लेवल की बातें हैं, तो वो हम अभी नहीं करेंगे। फिर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है तो कितने S और कितने P मिले उस हिसाब से नाम बनेगा, अभी बताएंगे कैसे कैसे होता है। पहली चीज, अगर एक S और एक P मिला तो sp बनेगा, ठीक है, ये देखो जुगाड़ क्या लिखा है, जितने मिलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं और मिलकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो जितने मिलेंगे उतने बनेंगे, सिंपल सा फंडा है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करोगे उतने, कुल मिला के यूं समझो एक घर में चार कमरे, समझना एक घर में चार कमरे हैं, चार को तोड़ के वापिस चार बना दिए, तो आप बोलोगे सर पागल हो गए क्या, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा मान लो पहले चार में दो छोटे दो बड़े होंगे, लेकिन अब हमने उसको घिरा के वापस चार ही कमरे बनाने हैं, लेकिन चारों की साइज अब बराबर रखनी है, चारों एकदम हूबहू बनाने हैं, यही हाइब्रिडाइजेशन है। पहले भी कमरे चार ही थे लेकिन अलग अलग टाइप के थे, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है उनको तोड़ के वापस बना देना है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्बिटल, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, फिर से तोड़ के फिर से बनाने हैं, इनफैक्ट बनाने भी उतने ही हैं, यानी कि जितने आपने तोड़े उतने ही वापस बनाने हैं, यानी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चार कमरों का मतलब चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बनेंगे भी उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी वो जो नए कमरे बनेंगे वो कहलाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है भाई। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं शेप और एनर्जी में, जो चार कमरे बनेंगे वो बिल्कुल एक जैसे बनेंगे, है ना, मतलब उनकी साइज भी, उनकी शेप वो दिखने में भी एक जैसे हैं और उनकी एनर्जी भी क्या है, एक जैसी है, वरना पहले क्या थे वो चारों कमरे अलग अलग थे। साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा इंक्रीज होती है जब परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ता है, तो साइज क्या होती है, बढ़ती है, साइज क्या होती है, बढ़ती है, एसपी से बड़ा sp2 होता है, sp2 से बड़ा sp3 होता है, हालांकि शेप जो होती है वो ऐसी होती है कि एक sp तो sp2 थोड़ा बड़ा और sp3 और बड़ा, ये ऐसे, तो ये sp हो गया बेटा, ये sp2 हो गया और ये sp3 हो गया, देखो शेप एक जैसी है, छोटी बॉल, बड़ी बॉल और बड़ी बॉल, लेकिन बॉल को क्या बोलोगे आप, बॉल को क्या बोलोगे, स्पेरिकल, छोटा स्पीयर, बड़ा स्पीयर और बड़ा स्पीयर, तो शेप एक जैसी होती है, बस साइज अलग अलग होती है। एसपी भी दिखने में ऐसा है लेकिन छोटा है,
ये यूं मान के चलो ये नॉर्मल है, ये 100% जूम है, ये 200% जूम है, मतलब चीज वही है, बस साइज इंक्रीज हो रही है। तो साइज का ऑर्डर जो होता है वो एसपी से बड़ा, एसपी टू से बड़ा, एसपी थ्री होता है, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल के दो ही काम होते हैं, जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उसके दो ही काम होते हैं बेटा, या तो सिग्मा बनाता है या लोन पेयर रखेगा। इसीलिए हमने सिग्मा प्लस लोन पेयर दोनों को काउंट करके बोल दिया, ये देखो इस बात का मतलब समझ रहे हो आप, हमने ये बोल दिया कि सिग्मा प्लस लोन पेयर जितने होंगे उस मॉलिक्यूल में हाइब्रिड ऑर्बिटल भी उतने ही होंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपने बोला हाइब्रिड ऑर्बिटल के दो ही काम, या तो बनाएगा सिग्मा, अगर वो बॉन्ड बनाएगा तो सिग्मा बनाएगा, या फिर बॉन्ड नहीं बनाएगा तो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर रहेगा, नॉन बॉन्डिंग पेयर उसमें बैठेगा। यानी अगर मुझे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने हैं तो मैं सिग्मा और लोन पेयर को जोड़ दूं, इसका मतलब मैं नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल दूंगा। क्यों? क्योंकि इसके दो ही काम है, या तो सिग्मा बनाएगा या लोन पेयर, तो मैं सिग्मा लोन पेयर को ही काउंट कर लेता हूं ना, मेरे को पता लग जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं। ये हम कर चुके हैं, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमने इसीलिए निकाला था क्योंकि हमने नंबर ऑफ लोन पेयर और सिग्मा निकाल दिए, काउंट कर दिए, तो हमने उससे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे पहुंच गए थे। आइए देखिए, ठीक है भाई, अब होता क्या है, ये आपको भी पता है कि एस के पास, एस के पास एंगल की कोई कमी नहीं है, आप 360 डिग्री कोई सा भी एंगल निकाल लो, एस एंगल की दुकान है, और P जो है वो डायरेक्शन की दुकान है, यानी अगर ये PX है, ये PY है, तो ये PZ है। S कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता, S ऑर्बिटल कभी ऐसा नहीं बोलता कि मैं SX हूं, SY हूं, SZ हूं, कभी नहीं लगता। नहीं लगता कब है? P के साथ लगता है, मतलब इसके पास पर्टिकुलर एक डायरेक्शन है, ये बताता है कि मेरे पास तीन तरह का सौदा है, एक्स एक्सिस वाला दूं, वाई एक्सिस वाला दूं, जेड एक्सिस वाला दूं, बताओ कौन सा दूं, ये बोल रहा है वो। लेकिन इसके पास डायरेक्शन की कमी नहीं है क्योंकि ये तो डायरेक्शन पर बैठता है, इसके पास एंगल की कोई कमी नहीं है क्योंकि इसके पास 360 डिग्री एंगल है। लेकिन अब दोनों की कमियां सोचो, दोनों की कमियां सोचो, इसके पास एंगल की कोई कमी नहीं है मानता हूं, लेकिन डायरेक्शन इसके पास नहीं है। ये बोलेगा मैं हर तरफ हूं, जो हर तरफ है वो किसी एक तरफ नहीं है, जो हर तरफ होता है वो किसी एक तरफ नहीं होता, ये चारों तरफ है, इसका मतलब इसकी एक कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, मतलब एस के पास डायरेक्शन नहीं है और इसके पास एंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि एंगल इसके पास सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री है। आपने इसको बोला तेरे एंगल बता, कह रहा 90 डिग्री, कह रहा और बता, एस तो बहुत सारे बताता है, एस के पास तो 360 डिग्री वगैरह बहुत कुछ है, जीरो से लेकर 360 डिग्री है उसके पास, तेरे पास क्या है? कह रहा 90 डिग्री, और बता, कह रहा 90 डिग्री, कह रहा और बता, कह रहा 90 डिग्री, कह रहा भाई माफ कर मेरे पास सिर्फ 90 डिग्री है, सिर्फ 90 डिग्री है, चला जाए यहां से। तो बोला, आपने इसको बोला कि तेरे को एंगल चाहिए क्या? बोले हाँ चाहिए। बोले एस जो है वो एंगल की दुकान है, तुम दोनों आपस में मिक्स क्यों नहीं हो जाते, तुम दोनों आपस में मिक्स क्यों नहीं हो जाते? उसी मिक्सिंग को कहते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन, उसी मिक्सिंग को क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। बोला तुम दोनों आपस में मिक्स हो जाओ, अपनी अपनी कमियों को पूरा कर लो। जब मिक्सिंग होगी तो इसकी कमी डायरेक्शन की थी और इसकी कमी एंगल की थी, तो जब मिक्सिंग होगी तो, मिक्सिंग होगी तो एस का क्या बढ़ेगा? डायरेक्शनल नेचर बढ़ेगा, इसको वही रिक्वायरमेंट है, और P का क्या बढ़ेगा? एंगुलर नेचर बढ़ेगा क्योंकि इसको एंगल चाहिए। तो ये एंगल के पास गया, ये डायरेक्शन के पास गया, जब मिक्सिंग हुई तो दोनों ने अपनी अपनी कमियां पूरी कर ली। ठीक है भाई, ये तरीका है हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी, मैंने आपको थोड़ी सी समझा दी है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफी है हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए, अदरवाइज टाइप तो वही एसपी, एसपी टू, एसपी थ्री, ठीक है भाई, वही चीजें हैं, जितने मिलेंगे उतने बनेंगे, ये भी ध्यान रख लेना। अगर मैंने यहाँ एक एस और एक पी की मिक्सिंग करी तो वो एसपी और एसपी दो मिलेंगे, दो बनेंगे। कारण मिले कितने डब्बे थे? दो मिले, कितने डब्बे थे? दो डब्बे, और अब बनेंगे भी डब्बे कितने? दो, दोनों का नाम एसपी होगा, तो जितने मिलेंगे उतने ही बनेंगे, लेकिन नाम बदल जाएगा, इसका नाम भी एसपी, इसका नाम भी एसपी। ऐसे अगर तीन मिलेंगे, एक एस और दो पी, तो फिर डब्बे तीन बनेंगे, तीनों का नाम एसपी टू, एसपी टू, एसपी टू, इस तरह से बनता है बेटा, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो यहां पे इस बात का मतलब समझना, जितने मिलेंगे मतलब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, जितने डब्बे मिले उतने डब्बे ही बने हैं, नाम डब्बों का बदल गया, अब हर एक का नाम एसपी एसपी हो गया, मतलब आधा आधा हो गया, उसमें आधा एस है आधा पी है, दूसरे वाले में भी आधा एस है और आधा पी है, ये बट गए। ठीक है भाई, समझ आई बात? चले आगे, चलिए
हाँ भाई, तो अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट चलिए आइए। अब बात करते हैं ओवरलैपिंग की। किसकी बात करेंगे? ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग में सीधा सीधा जुगाड़ है। पहले तो समझ लीजिए कि जब कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल कूदेगा बॉन्ड बनाने में, कह रहा कि मैं बॉन्ड बनाऊंगा, सिग्मा ही बनाएगा। अब हो सकता हो दो हाइब्रिड मिलकर बनाए, जैसे एसपी इसका और एसपी इसका, दो एसपी मिलकर बॉन्ड बनाए सिग्मा। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल और फिर सामने वाला प्योर दे दे, सेंट्रल एटम अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल दे दे और सामने वाला अपना प्योर ऑर्बिटल दे दे, तब भी बॉन्ड बनेगा सिग्मा। अगर सेंट्रल एटम हाइब्रिड ऑर्बिटल देते और फिर ऐसा कोई सराउंडिंग एटम हो जिससे वो बॉन्ड बना रहा हो, उसका भी हाइब्रिडाइजेशन हो रखा हो, वो अगर अपना हाइब्रिड दे दे तो भी बॉन्ड बनेगा सिग्मा। यानी हाइब्रिड अगर एक बार भी आ जाएगा तो बॉन्ड होगा सिग्मा। प्योर प्लस प्योर से सिग्मा भी बन सकता है, पाई भी बन सकता है। बेसिकली अगर हम बात करें ऑन द बिहाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, INA जिसको बोला है, सर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है? वो एक्सिस जो क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे आपसे पूछा जाता है कि PX और PX X एक्सिस पर क्या बनाएंगे, वो एक्सिस जिस पर दोनों ऑर्बिटल्स को भिड़ाया जाता है उसको कहते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना। उस पर मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ऑन द बिहाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दो ही तरह की ओवरलैपिंग होती है, कोएक्सियल जिसको हम हेड ऑन भी बोलते हैं, इससे हमेशा सिग्मा बनता है। ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है। क्या होती है? ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। कोलेटरल साइडवेज जिससे हमेशा पाई बॉन्ड बनता है, ये परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये रहा PX और ये रहा PX, ठीक है, और एक्सिस भी क्या है X, तो इसका नाम है PX और इसका नाम भी PX है, ये कैसी हो गई? कोएक्सियल। कौन सी हो गई? ये कोएक्सियल। अगर कोलेटरल करना है तो ये एक्सिस अगर X है तो फिर ये मान लीजिए इधर हमने क्या मान लिया? Y मान लिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? PY। और ये भी कैसा हो जाएगा? ये भी हो जाएगा क्या? PY। तो ये तो इस तरह की जो ओवरलैपिंग होती है, ये तो हो गई आपकी हेड ऑन, सिग्मा बनेगा, यहां से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। और ये हो गई आपकी कोलेटरल इस तरह से साइडवेज, इसको बोलते हैं हम क्या? ये देखो, ये आपका क्या है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये आपका क्या है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये एक्स भी आपका, इधर भी क्या है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये देखो, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ही है, है ना, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसी के अलोंग है। तो ये तो हो गई कोएक्सियल, और जो आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर है, ऐसे है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये पेन आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और ये परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग हो रही है इस तरह से, तो इसको बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं उसको? पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो यहां से बनेगा पाई बॉन्ड। ये दो तरह का हो गया। अब आते हैं जुगाड़। जब कभी भी एस और एस की ओवरलैपिंग दे, आपको पूछे एस और एस मिलकर एक्स वाई जेड पर क्या बनाएंगे, हमेशा सिग्मा बनेगा बेटा, कोई टेंशन ही नहीं। एस और एस का मतलब है दो बॉल अज्यूम करो अपने हाथों में, है ना, दो स्पंज की बॉल अज्यूम करो, कर दी, इधर से लाओ एक जैसे से मिलेगा, इधर से लाओ एक जैसे से मिलेगा, इधर से मिलाओगे सेम तरीके से इंटरेक्ट करेंगे। यानी एस अपने जीवन में सिर्फ कोएक्सियल ओवरलैपिंग कर पाता है, एस सिर्फ हेड ऑन ओवरलैपिंग कर पाता है। जब कभी भी बॉन्ड बनाने में एस का यूज आ गया, इसका मतलब वो एस कभी भी पाई नहीं बना सकता, वो सिग्मा ही बनाएगा। तो जरा देखो, अगला है एसपी ओवरलैपिंग। एस ले लिया मैंने और यहां पर पीएक्स ले लिया, मैं यहां पीवाई और पीजेड भी ले सकता हूं। अभी फिलहाल समझिए, जो एक्सिस मैंने लिया है वही एक्सिस पर सिग्मा, बाकी पर कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, जीरो। एम डी जे कॉमन पर सिग्मा, कॉमन बोले तो एक्स एक्स कॉमन है, कॉमन पर सिग्मा, बाकी पर जीरो, खत्म। अगर मैं यहां पर लिख दूं एस प्लस पी वाई, बताओ किस पर क्या बनाएंगे, मैंने यहां लिख दिया सिग्मा, तो बताओ ये एक्सिस कौन सा हो गया? तो ये एक्सिस हो गया आपका क्या? जेड हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेड, सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, क्योंकि पी वाई पर सिग्मा है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा बनेगा, आप खुद सोचो, एस प्लस पी वाई, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? एक्स वाई जेड कॉमन क्या? वाई, तो इस पे सिग्मा, बाकी पे जीरो, जुगाड़ है, ठीक है भाई। आ जाओ अगला, पीएपी, पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग में क्या करना है? पीएक्स पीएक्स, कॉमन पर सिग्मा, बाकी पर पाई, यहां जीरो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि पी और पी दोनों तरह से बना सकते हैं, पी और पी, सिग्मा और पाई दोनों बना सकते हैं। कॉमन पर सिग्मा, बाकी पर पाई, फर्क है, कॉमन पर सिग्मा, बाकी पर जीरो था, यहां पाई है, फर्क है। दोनों पी सेम होने चाहिए, यानी कि अगर आपने आपने यहां पर एक्स लिया है और अगर आपने वाई लिया है तो दुनिया के किसी भी एक्सिस पर वो नहीं जुड़ सकते, जीरो 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 ही होगा बेटा, दुनिया के किसी भी एक्सिस पर वो नहीं जुड़ सकते। तो पहली कंडीशन, इधर पी वाई है तो इधर पी वाई होना चाहिए, इधर पी जेड है तो इधर पी जेड होना चाहिए।
उसके बाद हम बोलेंगे कि कॉमन पर सिग्मा बाकी पर जीरो, जैसे यहां पीवाई पीवाई ले लिया तो वाई पर सिग्मा बाकी पर जीरो हो जाएगा, खत्म। एमडीजे एमडीजे के साथ ओवरलैपिंग खत्म। पी और डी की ओवरलैपिंग, पी और डी में क्या करना है आपको देखिए, यहां पे इनमें अनकॉमन देखो, इनमें क्या देखोगे अनकॉमन, है ना। अब थोड़ा रूल बदला बेटा, अनकॉमन क्या है, अनकॉमन वाई है, अनकॉमन क्या है वाई है, तो इसका मतलब है वाई पर पाई बाकी पे जीरो, अनकॉमन पर पाई बाकी पर जीरो, अनकॉमन पर पाई बाकी पर जीरो, खत्म। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछ लूं कि जरा बताओ डी एक्स जेड प्लस पी जेड, ठीक है, तो बताओ क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा, ठीक है। अनकॉमन क्या है बेटा, एक्स है, अनकॉमन क्या है एक्स है, एक्स अनकॉमन है तो उस पर बनेगा पाई बाकी पर जीरो, खत्म। ये हो गया आपका, है ना, अनकॉमन पर पाई बाकी पर जीरो, ठीक है। और अनकॉमन के लिए कुछ कॉमन होना भी जरूरी है, ये ध्यान रख लेना, अनकॉमन के लिए कुछ कॉमन होना भी जरूरी है। हाँ जी चले आगे, नेक्स्ट डी और डी जो गिवन है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, उन पर बनाओ पाई बाकी पर डेल्टा बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है डेल्टा बॉन्ड, ये अपने सिलेबस में नहीं है वरना बताता डेल्टा बॉन्ड क्या होता है, आप सिर्फ नाम याद रख लीजिए डेल्टा बॉन्ड। क्या होता है ये डेल्टा बॉन्ड, गिवन एक्सिस पर पाई बाकी पर जीरो, गिवन एक्सिस मतलब एक्स वाई गिवन है, ठीक है, कॉमन पर पाई बाकी पर जीरो, ऐसा लिख सकते हो आप, कॉमन पर पाई बाकी पर क्या लिख दोगे जीरो, ऐसा भी लिख सकते हो कॉमन पर पाई बाकी पर जीरो। बाकी पर जीरो, बाकी पर सॉरी जीरो नहीं, जीरो नहीं, मैंने दो बार बोल दिया, बाकी पर डेल्टा, ओके बाकी पर डेल्टा होगा, ठीक है भाई, कॉमन पर पाई बाकी पर डेल्टा। तो जैसे यहां पर लिख दिया डीवाई जेड, अच्छा इसमें भी एक कंडीशन है बेटा, वो कंडीशन यह लिख रहा हूं, बोथ डी मस्ट बी सेम, ठीक है। तो जैसे डी एक्स वाई और मैंने यहां डी वाई जेड ले लिया, तो मैं फिर इनको ना एक्स पर ना वाई पर ना जेड पर कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं, दोनों सेम है तो हम बात करेंगे सेम एज पी, पी की तरह अगर दोनों सेम है तो हम बात करेंगे, ये आपकी ओवरलैपिंग हो गई खत्म, है ना। इसके बाद हम सीधा आते हैं किस पर, डाइपोल मोमेंट पे। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल की ओवरऑल पोलैरिटी निकालता है, डाइपोल मोमेंट क्या करता है मॉलिक्यूल की ओवरऑल पोलैरिटी निकालता है, मेजर ओवरऑल पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये ध्यान रख लेना। कुछ पॉइंट्स मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी होती है ये, वेक्टर डायरेक्टेड टुवर्ड्स मोर ईएन एलिमेंट्स, जो मोर ईएन एलिमेंट है उसकी तरफ वेक्टर की डायरेक्शन रखनी है। लोन पेयर का वेक्टर जो है ना, वेक्टर ऑफ लोन पेयर जो है वो ऑलवेज अवे फ्रॉम द मॉलिक्यूल, है ना, लोन पेयर वेक्टर ऑलवेज अवे फ्रॉम मॉलिक्यूल, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर, डायरेक्शन ऑफ लोन पेयर वेक्टर ऑलवेज अवे फ्रॉम द मॉलिक्यूल। जैसे यहां पर ए लगा हुआ है, ये लोन पेयर लगा हुआ है, ये बी है, ये बी है, तो सारा एक साथ समझा देता हूं, इफ En जो है वो B की ज्यादा है, En किससे A से, तो बताओ इसके वेक्टर कैसे असाइन होंगे, इसके वेक्टर असाइन होंगे लोन पेयर तो हमेशा दूर भेजना है, भेज दिया, लोन पेयर हमेशा क्या करना है दूर भेजना है, लोन पेयर हमेशा क्या करना है हमको दूर भेजना है, तो लोन पेयर हमने भेज दिया दूर ऐसे। और अगर A और B में B की En ज्यादा है तो B की तरफ वेक्टर आ जाएंगे, इस तरह से ये वेक्टर असाइन करते हैं डाइपोल मोमेंट में। डाइपोल मोमेंट होता है म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी, Q का मतलब होता है चार्ज, और वो चार्ज का मैग्नीट्यूड इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस से क्रिएट होता है। D जो होता है वो एटम के बीच की डिस्टेंस होती है, यूनिट डी बाई होती है। जब
डाइपोल मोमेंट जीरो होता है तो उस कंपाउंड को हम नॉन पोलर बोलते हैं, और जब किसी का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आता तो उस कंपाउंड को हम पोलर बोलते हैं। सर, जीरो वाले कंपाउंड्स, खूब सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स रखते हैं वो डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, जैसे जैसे Ab2L0 से Ab6L0 सारे, Ab2L0, 3L0, Ab3L0, Ab4L0, Ab5L0 एंड Ab6L0, ये सब म्यू जीरो होंगे। सर, लोन पेयर वालों में भी कोई ऐसा होता है जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है? यस, तो Ab4L2 इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, Ab2L3 इसको बोलते हैं लीनियर। ये दो ऐसे केस हैं लोन पेयर के जिसका भी म्यू क्या होता है, जीरो। कंडीशन एक है, सराउंडिंग एटम मस्ट बी सेम। कंडीशन क्या है? सराउंडिंग एटम जो है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। आइए तो फिर करते हैं कुछ सवाल। आ जाइए, जब आप डाइपोल मोमेंट के कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं यहां पर, एक सेकेंड। जैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज दिखा देता हूं मैं, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, NH3 और NF3 में से दिया हुआ है, ठीक है। NH3 में ये लोन पेयर है, ये H है, ये H है और ये H है। NF3 में भी लोन पेयर है, लेकिन यहाँ F है, यहाँ F है और यहाँ F है। ये तय बात है, सबको पता है बेटा कि F की EN ज़्यादा होती है तो वेक्टर F की तरफ आएगा, जबकि इसमें N की EN ज़्यादा होती है तो वेक्टर H से N की तरफ जाएगा, और लोन पेयर तो फिर ऊपर ही जाएगा। यहाँ पर भी लोन पेयर तो ऊपर ही जाएगा। अब जरा इस चीज़ को महसूस करो कि ये जो भी ऊपर जा रहे हैं इनका रिजल्टेंट वेक्टर भी ऊपर जाएगा और साथ में वो भी ऊपर जा रहा है, यानी यहाँ सब मिलकर ऊपर जा रहे हैं। म्यू तो इसका भी नॉट इक्वल टू जीरो ही है और म्यू इसका भी नॉट इक्वल टू जीरो ही आएगा, कारण कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर नीचे आएगा, इसका जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इन तीनों का वो नीचे की तरफ आएगा। लेकिन अब आप ये नहीं सोच सकते कि इसका नीचे उसका ऊपर, तो लोन पेयर को सिर्फ लोन पेयर काट सकता है, लोन पेयर को सिर्फ लोन पेयर काट सकता है। वेक्टर जो है इसकी वैल्यू अलग है और इस तीन के वेक्टर सम की वैल्यू अलग है, ये इक्वल नहीं होंगे। तो दो सेम वेक्टर ही अगर ऑपोजिट डायरेक्शन पर हैं तो ही हम जीरो मानते हैं, अदरवाइज हम उसको जीरो नहीं मानते हैं। तो ये भी नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। लेकिन एक फील जो हमको आई वो ये कि इसमें सब मिलकर एक तरफ जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंट है वही डाइपोल मोमेंट है। इसमें इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंट है वो एक तरफ है वो ज्यादा है। जब आपसे पूछा जाए कि इफ, है ना, ऐसा एक सवाल पर दिया जाए कि इफ म्यू ऑफ NF3 is 1.0 d/, then mu of NH3 will be, ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा बताओ। एक ऑप्शन दिया मैंने लेस देन वन, एक हो गया लेस देन वन, ठीक है, एक हो गया आपका, दूसरा हो गया मोर देन वन, ठीक है, तीसरा हो गया इक्वल टू वन। क्या लिखोगे भाई? सिंपल सी बात है, चौथा है नन ऑफ दीज। तो क्या लिखोगे आप इसका आंसर? इसका आंसर लिखोगे अगर NF3 वन है तो NF3 से ज्यादा हमेशा NH3 दिखाई देगा, तो इसका मतलब है आंसर हो जाएगा मोर देन वन। कोई कैलकुलेशन थोड़ी करनी है हमको, बस खाली देखना है ऐसे, ये डाइपोल मोमेंट है। ऐसे खूब सारे सवाल जो डाइपोल मोमेंट के हम कर सकते हैं, आइए और भी करें हैं। चलो फटाफट से, जैसे SO3 हो गया और SO2 हो गया, दूसरा CO2 हो गया और SO2 हो गया, तीसरा, ठीक है, PCl5 हो गया, PCl3 हो गया, आ जाइए चौथा CCl4 हो गया, CHCl3 हो गया, पांचवा XeF2 हो गया, XeF4 हो गया, आइए सिक्स्थ XeO3 हो गया और XeO4 हो गया। जब आपको VSEPR मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाई, बस वही लगानी है आपको, कुछ नहीं करना है। इसका टाइप, मॉलिक्यूल का टाइप आएगा Ab3L0 सराउंडिंग एटम सेम, इसका आएगा Ab2L1। ये हमारी लिस्ट में था सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर की, अभी पीछे बताई थी, तो इसका म्यू जीरो और इसका म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो इसका मतलब ज्यादा कर दो। इसका जब आप निकालोगे तो Ab2L0 आएगा, इसका म्यू आएगा बेटा जीरो और इसका अभी बताया म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगेन इसका ज्यादा कर दो। PCl5 आपका आएगा Ab5L0, यह आएगा आपका Ab3L1, इसका म्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो और इसका म्यू जो है वो जीरो, इसका ज्यादा कर दो।
CCl4 और CH, ये भी Ab4L0 ही आएगा और ये भी Ab4L0 ही आएगा, बट इसका म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज सराउंडिंग एटम्स आर नॉट सेम, सारे सराउंडिंग एटम्स सेम नहीं है, इस वजह से इसका ज्यादा कर दो, ये तो जीरो हो गया आपका CCl4, क्या हो गया, जीरो हो गया। अगेन ये आपका हो गया म्यू, सॉरी ये आपका हो गया Ab2L3 और ये आपका हो गया Ab4L2। ये सब निकाल सकते हो आप, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 8 करोगे तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल निकल जाएगा, सिखा दिया मैंने आज ही। तो ये बन रहा है आपका लीनियर, म्यू इज इक्वल टू जीरो और ये भी आपका म्यू इज इक्वल टू जीरो। जब दोनों जीरो हो जाए तो बराबर लगा देना, जब दोनों नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए तो बराबर मत लगाना बेटा, दोनों जीरो हो जाए तो क्या लगा दोगे, बराबर लगा दोगे। यहां पर अगेन ये क्या बन रहा है Ab3L1, ये क्या बन रहा है Ab4L0। अब ये तो हमको पता है जीरो होता है लेकिन ये हमारी लिस्ट में नहीं है सिमेट्रिकल, यानी कि ये ज्यादा हो गया। तो इस तरह से खूब सारे आप डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन जो है वो कर सकते हो, ठीक है भाई। इनऑर्गेनिक में डाइपोल मोमेंट जो है उसके ऑर्गेनिक के एग्जांपल में नहीं ले रहा हूं, होने को ऑर्गेनिक वाले एग्जांपल भी आते हैं बट वो ऑर्गेनिक में करवा दिए जाते हैं, इस वजह से नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि समय हमारे पास कम है। मेन बैच होता तो डेफिनेटली मैं ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल भी लेता इसमें, है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी लेता तो भी बताता, और मैंने करवाए भी हैं, जो मुझसे पढ़े हुए हैं उनको पता भी है, ठीक है। यहां नहीं ले रहा हूं क्योंकि समय सीमा वाली बात आ गई है, तो है ना, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स होते हैं वो और जरूर लिख देता हूं, वो कभी भी मेन एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। तो वो होता है जैसे HF और H2O में पूरा अकॉर्डिंग टू NCERT, दुनिया की हर किताब HF ज्यादा बोलती है लेकिन NCERT H2O को ज्यादा बोलता है, आंसर यही जाएगा। HF और H2O में H2O का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। फिर दूसरा जो है वो अगर मैं कहूं HF, HCl, HBr, ठीक है, और HI, तो फिर इसमें आपको खाली EN देखना है कि डेल्टा EN ज्यादा तो Q का मैग्नीट्यूड ज्यादा तो म्यू भी क्या होगा ज्यादा, ये इस तरह से देखना है। जैसे यहां पे लिख दिया आपने HF लिख दिया, फिर आपने H2O लिख दिया, फिर आपने NH3 लिख दिया, तो अगेन ये भी सेम है, सेम रीजन होगा इसका भी, ना दूसरे वाला। कुछ ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी हैं, तो ये आपका डाइपोल मोमेंट भी यहां पर खत्म हुआ, ठीक है भाई। हाँ तो आप शुरू करते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में सभी जानते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है ना, कंप्लीट ट्रांसफर से बनने वाला बॉन्ड होता है। Na पहले प्लस बनेगा, फिर Cl माइनस बनेगा, Na एक इलेक्ट्रॉन जो देगा वो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ये छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, रिवीजन के टाइम पर ही आयनिक बॉन्ड का बेसिक, इतना बेसिक पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। सीधा आते हैं आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड का सीधा सीधा मतलब होता है कि आयनिक बॉन्ड का मतलब है Q1 और Q2 में एक प्लस होगा एक माइनस होगा और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपने पढ़ा होगा K Q1 Q2 upon R square, पढ़ा है भाई K Q1 Q2 upon R square, इसको क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हो, और इसको ही क्या बोलते हो, कूलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हो। तो इसीलिए आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, यानी एक प्लस होगा एक माइनस होगा, उनके बीच में चार्ज आयन होता है। ये एक लैटिस की फॉर्म में रहते हैं, प्लस माइनस, ऐसा एक 3D में लैटिस बना होता है जिसको बोलते हैं आयनिक लैटिस। तो प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ आयनिक लैटिस। दूसरा, ये जो फोर्स, ये जो प्लस माइनस है बेटा, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी ये आयंस बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होते हैं, इसी वजह से रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब होता है टूट जाना, ऐसी चीज जिस पर हथौड़ा मारोगे तो बिखर जाएगी, ब्रिटल मतलब बिखर जाने वाली, ठीक है भाई। उसके बाद इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की, यहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखा हुआ है, इस वजह से ये सॉलिड भी है, इस वजह से ये आयनिक लैटिस के रूप में भी रहते हैं, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। इन सब का रीजन ऊपर लिखा, इन सब का रीजन क्या है ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। आइए, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर इन सॉलिड, ठीक है, इलेक्ट्रिकली ये क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं, इंसुलेटर होते हैं सॉलिड में। कारण सुन लो, सॉलिड के अंदर आयंस है क्या, सॉलिड के अंदर आयंस है क्या, सॉलिड के अंदर आयंस है तो यस आयंस तो हैं,
लेकिन आयंस घूम फिर नहीं सकते। कंडक्शन के लिए जरूरी है आयंस का घूमना फिरना। यहां आयंस तो है लेकिन आयंस घूम फिर नहीं सकते, इसलिए कंडक्टिविटी नहीं आती। अब अगर वही चीज मोल्टन फॉर्म में आ जाए, यानी कि इस लेटिस को मैं सॉलिड से मेल्ट बना दूं, लिक्विड बना दूं, मेल्ट कर दूं, तो ये प्लस माइनस जो है थोड़े दूर हो जाएंगे। जब दूर हो जाएंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कम करेंगे, और जब एक दूसरे को अट्रैक्ट कम करेंगे तो फिर घूम फिर सकते हैं, बाउंडेशंस कम हो जाएंगी। तो इसीलिए मोल्टन में आयंस भी होते हैं, घूमते भी हैं और कंडक्टिविटी भी दिखाएंगे। उसी तरह से एक्वस में आयंस होंगे, हाइड्रेटेड आयंस होंगे और मोबिलिटी भी होगी और कंडक्टिविटी भी होगी। आइसोमेरिज्म, आयनिक कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो नहीं करते क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है बेटा ये, क्योंकि ये बॉन्ड हर तरफ होता है, ये प्लस माइनस 3D के अंदर हर तरफ है। जो हर तरफ है वो किसी एक तरफ नहीं होता। दुनिया में जो मल्टी डायरेक्शनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी सिंपल आयनिक बॉन्ड की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। हाँ, आयनिक कंपाउंड्स कंप्लीटली पोलर होते हैं नेचर में, इसीलिए पानी में सॉल्युबल होते हैं। पोलर कंपाउंड्स लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि पोलर पोलर में घुलता है और नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलता है। ये प्लस माइनस कंप्लीट प्लस माइनस है, यहां पर पार्शियल नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड में एक पर पार्शियल पॉजिटिव, एक में पार्शियल नेगेटिव आता है, इसमें कंप्लीट प्लस कंप्लीट माइनस है। ये कंप्लीटली पोलर ही होंगे और पानी में ही घुलेंगे। चलिए, ये तो हो गई कुछ बात। उसके बाद किसी भी आयनिक कंपाउंड को अगर स्टेबल होना है तो भाई सिंपल सी बात है, जिंदगी का फंडा ही एक है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट कम, या यूं कह दूं इन्वेस्टमेंट से ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। जितना पैसा आपने लगाया उससे ज्यादा पैसा आपको मिलेगा तो आपका धंधा चलेगा, वरना धंधा भी मंदा हो जाएगा भाई। ठीक है, तो सुनो, देखो इसमें देखो, टू फॉर्म स्टेबल आयनिक कंपाउंड प्रॉफिट बोले तो रिलीज्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट बोले तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी आपकी कम होनी चाहिए। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में जो आपकी एनर्जी लगती है उससे ज्यादा इस पूरे प्रोसेस में निकलने वाली एनर्जी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब क्या लिखा हुआ है। कोई भी मेटल ले लिया, सपोज यहां आप सोडियम अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि हमको यहां पर NaCl बनाना है, आप यहां सोडियम अज्यूम करिए, सोडियम सॉलिड का सब्लिमेशन करोगे। सब्लिमेशन होता है बेटा सब्लिमेशन एनर्जी, ये प्रोसेस होता है एंडो। यहां आपको एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि सॉलिड से गैस में जा रहे हो, सॉलिड से गैस में जाना कहलाता है सब्लिमेशन। सॉलिड में एटम पास पास, गैस में दूर दूर, यानी पास पास वालों को दूर दूर कर रहे हो, अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो। दुनिया में जब जब भी अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क किया जाएगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडो। उसके बाद जब ये गैस बन गया तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, और हम ये पढ़ चुके हैं कि ये भी एंडोथर्मिक होती है। तो दो जगह तो हमारा खर्चा लग गया, दुल्हा तैयार है एम प्लस। ठीक है, अब तैयारी दुल्हन की करेंगे, तो दुल्हन को तैयार करते हैं भाई। आइए, X2 हमको मान लीजिए NaCl है, तो Cl बनाने की तैयारी में चल रहे हैं हम। अब Cl बोलो, Cl क्या? Cl2 होगा। अगर Cl2 होगा तो एक Cl हमको चाहिए, तो यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितनी भी होगी उसका आधा ही हिसाब में जोड़ेंगे। कारण हम मान लीजिए यहां पर ₹10 देकर इनको तोड़ते हैं, तो हमको प्रोसेस में आगे एक ही चाहिए, तो हम हिसाब में ₹10 नहीं जोड़ सकते बेटा, ₹5 ही जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमको मतलब एक से है, तो हम हिसाब में आधा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जोड़ते हैं। हालांकि आधा जोड़े एक जोड़े फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी तो हमारी लग गई क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना था। अब ये जब गैस बन गया तो उसको एक इलेक्ट्रॉन खिलाया, मान लीजिए यहां क्लोरीन है और ये इलेक्ट्रॉन खाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। यहां पहली बार ऐसा हुआ है जब दुल्हन ने इलेक्ट्रॉन खाया है तब उसने एनर्जी रिलीज करी है। उसने क्या करी है? एनर्जी रिलीज करी है। अब आपके सामने देखो एम प्लस भी ये रहा और ये गैसियस है, और ये रहा आपका एक्स माइनस, ये रहा गैसियस। ठीक है भाई, अब ये दो गैसियस आयंस जब आपस में मिलते हैं तो प्लस और माइनस के बीच में जबरदस्त अट्रैक्शन होता है, और उस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी निकलती है। प्लस ये गैस से भी सॉलिड में आ जाते हैं, आप देख रहे हो, ये गैस से भी कहां आ जाते हैं? सॉलिड में आ जाते हैं। यानी कि ये प्लस माइनस चिपकेंगे उसमें भी एनर्जी रिलीज होगी, और ये गैस से सॉलिड बनेंगे उसमें भी एनर्जी रिलीज होगी। इन दोनों को मिलाकर जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। इसको कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है बेटा,
ये क्या कहलाती है? लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो गई कि जब कोई एक मोल सॉलिड, सुनो, एक मोल सॉलिड जब अपने किसी गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन से बनता है, गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन से बनने वाले एक मोल सॉलिड के दौरान जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो लैटिस एनर्जी कहती है। आप उल्टा भी बोल सकते हो, एक मोल सॉलिड को, एक मोल आयनिक सॉलिड को इसके गैसियस कंस्टिट्यूएंट आयन्स में तोड़ने के लिए दी जाने वाली एनर्जी भी लैटिस एनर्जी होगी। अरे भाई, जितना इधर से रिलीज होगी उतना इसको वापस ये आयन्स बनाने में देनी भी तो पड़ेगी। तो दोनों टर्म में सोचा जा सकता है, दोनों टर्म में सोचा जा सकता है। आइए अब आपको बताते हैं जुगाड़, और जुगाड़ क्या है सुनिए। अगर रिलीज एनर्जी की बात करूं तो इसका मतलब है एक्सो प्रोसेस अच्छे होने चाहिए और एंडो प्रोसेस कम होने चाहिए। एक्सो प्रोसेस में यहां कौन कौन है जरा बताओ। एक्सो प्रोसेस में एक तो आपकी आई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और एक आया आपका लैटिस एनर्जी, क्योंकि ये जो लैटिस एनर्जी है ये भी कैसी आई है आपकी, एक्सो आई है, रिलीज हुई है। तो अभी आपने कहा रिलीज एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी कम होनी चाहिए। अब मैं कह रहा हूं देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लैटिस एनर्जी ज्यादा होने चाहिए और बोलो क्या, सब्लिमेशन एनर्जी कम, बोलो क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी कम, बोलो क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम। तो आपसे आपसे सवाल पूछा जाएगा, सवाल क्या पूछा जाएगा वो सॉरी सवाल क्या पूछा जाएगा वो सुनिए, कहेगा कि आयनिक कंपाउंड स्टेबल होने के लिए नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आप बोल देना ज्यादा होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी आप बोल देना ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लो, सब्लिमेशन आयोनाइजेशन एनर्जी मेटल शुड बी लो, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी शुड बी लो, यानी कि जो लो की तरफ है वो लो होने चाहिए और जो हाई की तरफ है वो हाई होने चाहिए। ऐसे तमाम स्टेटमेंट आप इस सिंपल से जुगाड़ से कर सकते हो, ऐसे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये लो आपका जुगाड़ खत्म, बात। आइए आगे बात करते हैं लैटिस एनर्जी। तो देखो यहां पर हमने एक टर्म ले लेते हैं लैटिस एनर्जी, इस पर बात करते हैं और फिर लैटिस एनर्जी के क्वेश्चन करते हैं। हमने देखा लैटिस एनर्जी है क्या। लैटिस एनर्जी बेसिकली मैं ये बता देता हूं, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू क्यू वन क्यू टू, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू और का मैग्नीट्यूड, क्यू वन क्यू टू का मैग्नीट्यूड और डिवाइड बाई आर। मतलब ये आपका लैटिस एनर्जी का सिंपल सा फंडा है, यानी कि टॉप टू बॉटम, ये तय बात है कि टॉप टू बॉटम जो है वो आर बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। सुनो, जब हम ये बोल दें कि चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, इफ चार्ज इज सेम, अगर चार्ज सेम हो जाए तो फिर क्या करना है, तो फिर R बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी। यानी कि पहले क्या देखना है, चार्ज, पहले क्या देखना है, चार्ज। आइए सवाल करते हैं, अभी समझ जाओगे। ये रहा प्लस वन, ये रहा माइनस वन, ये प्लस वन, ये माइनस वन, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो गया। मैग्नीट्यूड कैसे देखते हैं बेटा, सुन लो, वन इंटू वन वन, वन इंटू वन वन। पहले अब मैं सबके चार्ज बता देता हूं, पहले एक साथ कर देंगे, ये प्लस वन, ये माइनस वन, ये प्लस वन, ये माइनस टू, ये प्लस वन, ये माइनस टू, ये प्लस वन, ये माइनस टू, है ना, ऑक्सीजन का माइनस दो, ये लिख दिया, ये प्लस वन, ये माइनस वन, ये आरबी का प्लस वन, सीएल का माइनस वन, ये लिथियम का प्लस वन, माइनस थ्री नाइट्राइड आयन, और ये प्लस वन और ये माइनस तीन, यहां पे प्लस वन माइनस दो, प्लस दो माइनस दो, फिर यहां पे प्लस दो माइनस दो, फिर प्लस दो माइनस एक, है ना, क्लोरीन। ये नहीं देखना है कि है कितने, एक पर कितना चार्ज है वो मेंशन किया जाता है, पॉइंट चार्ज देख रहे ना हम, तो एक क्लोरीन का चार्ज देखना है। यहां पर प्लस दो माइनस दो, यहां पर प्लस तीन, एल्यूमिनियम पर प्लस तीन, ये माइनस दो। अब देखो फटाफट से आ जाओ, कैसे करते हैं लेटेस्ट एनर्जी के सवाल, एकदम खटाक से। आइए, चार्ज सेम हो गया, साइज देखेंगे, क्लोरीन की साइज ज्यादा तो इसकी लेटेस्ट एनर्जी कम, सोडियम तो सेम है, ठीक है। आइए यहां पर फिर से देखो, चार्ज अलग अलग हैं, ज्यादा मैग्नीट्यूड कहां आएगा, टू इंटू वन टू, ज्यादा, खत्म, टू इंटू वन टू, टू इंटू वन टू, ओहो, फिर तो इसका मतलब है साइज देखेंगे, सोडियम सोडियम सेम, ऑक्सीजन सल्फर में सल्फर बढ़ा तो इसकी कम कर दो, चार्ज सेम पोटेशियम रूबिडियम में रूबिडियम बढ़ा तो इसको कम कर दो। आ जाइए यहां पर फिर से, चार्ज सेम सोडियम सोडियम बढ़ा तो इसकी लैटिस एनर्जी कम कर दो। ये लैटिस एनर्जी का ऑर्डर है, ये लैटिस एनर्जी का ऑर्डर है, ठीक है, ये जो एरो है वो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर है। यस, टू इंटू वन, टू इंटू टू, तो टू इंटू टू फोर, इसको ज्यादा कर दो, टू इंटू टू फोर, तो इसको ज्यादा कर दो, टू इंटू टू थ्री इंटू टू, टू इंटू टू फोर, थ्री इंटू टू सिक्स, तो इसको ज्यादा कर दो, खत्म, लैटिस एनर्जी के सवाल खत्म। आइए नेक्स्ट बात करते हैं फजान रूल की।
फजान रूल जो है उसने सीधा सीधा क्या सिखाया, उसने ये सिखाया कि डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, किसी भी आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है उसको बोलते हैं हम फजान रूल। चलिए कुल मिला के यहां सिखा देते हैं आपको सारी बात। आइए इधर साइड में बताते हैं आपको, ये रहा कोई केटायन जिसका जेड इफेक्टिव क्या होता है ज्यादा, ठीक है, ये क्या है केटायन है, इसका जेड इफेक्टिव क्या ज्यादा होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से खींच के रखता है। मान लीजिए इसके पास कोई एनायन है, इसके पास क्या है कोई एनायन है जिसका न्यूक्लियस ये है दोनों, इसलिए अंदर में ये न्यूक्लियस बनाया मैंने अंदर, है ना, तो इसका जेड इफेक्टिव कम है तो क्या करेगा ये इसके इलेक्ट्रॉन को, ये इसके जो इलेक्ट्रॉन है जो दो चारों तरफ बराबर है पूरी तरह से गोल गोल एनायन है, तो ये जेड इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से अपने साथ साथ पड़ोसी कर पे ऊपर भी नजर रखने लगता है, अपने साथ साथ क्या करने लगता है पड़ोसी के ऊपर भी नजर रखने लगता है, यानी कि उसके एनायन के इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, और जब टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। अगर एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम और एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो बताओ इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में सिमेट्री रहेगी या खत्म, तो आंसर है सिमेट्री खत्म, यानी कि पोलैरिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी उसमें पोलैरिटी आ जाएगी। इसका मतलब मैं ये कह दूं कि इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन आपस में मर्ज हो गए, और इलेक्ट्रॉन कहां पड़े रहते हैं, कहां पड़े रहते हैं ऑर्बिटल्स में, यानी कि आपस में ऑर्बिटल्स मर्ज हो गए। सर ये क्या कह रहे हो, यस आपस में ऑर्बिटल्स मर्ज हो गए, और ऑर्बिटल की मर्जिंग आयनिक बॉन्ड में नहीं होती थी, कहां पर होती थी कोवेलेंट बॉन्ड में, यानी कि जब जब ये मर्जिंग होगी इसमें कुछ कोवेलेंट जैसा होना शुरू होगा, इसीलिए जब जब ये पोलराइजेशन बढ़ेगा, जब जब ये पोलराइजेशन बढ़ेगा, जब जब ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जितना ज्यादा खींचा जाएगा तब तब उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। तो ये जो टर्म लिखा हुआ है पोलराइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एनायन, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के एनायन में, एनायन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में पोलराइजेशन हो गया, उसमें पोलैरिटी आ गई। क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन ये एक तरफ आ गए, और इधर की वजह से यहां पर डेल्टा नेगेटिव और यहां पर डेल्टा पॉजिटिव जैसा चार्ज आ गया, ये पोलर हो गया, इसका क्लाउड पोलर हो गया, कंपाउंड पोलर नहीं हुआ बेटा, इसका क्लाउड पोलर हो गया, ये ध्यान रख लेना। जो पोलैरिटी की बात है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन के क्लाउड की बात की जाएगी, ठीक है, केटायन ने किया। जब जब भी ऐसा पोलराइजेशन बढ़ेगा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। अब देख लेते हैं पोलराइजेशन कब कब बढ़ेगा, तब तक हम कोवेलेंट कैरेक्टर बता देंगे। तो याद रखिएगा स्मॉल केटायन, इसका मतलब क्या है स्मॉल केटायन, लार्ज एनायन, केटायन जितना छोटा होगा उतना खूंखार होगा, यूं क्यों जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, केटायन की साइज जितनी ज्यादा होगी पॉजिटिव चार्ज उतना ही खूंखार होगा, यानी कि वो पड़ोस वालों को इतना ही जल्दी खींचेगा। छोटा पैकेट बड़ा धमाल, यानी केटायन जितना छोटा ये वाला काम उतना ज्यादा होगा, और काम जितना ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा आएगा, तो छोटा केटायन। दूसरा एनायन बड़ा होना चाहिए, एनायन जितना बड़ा होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उतना ही बड़ा होगा, यानी कि उसके देने की नीयत उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। लेने वाला कौन है, केटायन है, देने वाला कौन है एनायन है। अगर इसके लेने की नियत ज्यादा होगी, यानी कि ये स्मॉल एनायन स्मॉल केटायन जब होगा तो उसके लेने की नियत ज्यादा होगी, इसके इलेक्ट्रॉन लेने की नियत ज्यादा, इसके इलेक्ट्रॉन देने की नियत कब ज्यादा, जब ये बड़ा होगा, यानी लार्ज एनायन हमारे लिए फेवरेबल है। दूसरा दोनों पर चार्ज ज्यादा होना चाहिए, हाई चार्ज ऑन आयन्स। अरे सिंपल सी बात है, प्लस पे प्लस बढ़ेगा तो वो छोटा ही होगा, और माइनस पे माइनस बढ़ेगा तो वो बड़ा होगा। बात तो वही आ गई घूम फिर के कि प्लस पर प्लस बढ़ाओगे तो वो घटेगा साइज में, और माइनस पर माइनस बढ़ाओगे तो वो साइज में बढ़ेगा। अल्टीमेटली ये रिलेटेबल है, चीजें ऊपर से रिलेट की हुई है ना, पॉइंट भले ही तीन दिख रहे हो लेकिन वाकई में ये तीन नहीं दो ही है, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका फजान रूल। फजान रूल की वजह से कुछ चीजें हम देखते हैं कि यहां पर एक फाई, पहली बार एक टर्म आता है फाई, कि सर ये फाई क्या है, फाई होता है पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा चार्ज। अब चार्ज है तो क्यू प्लस और आर प्लस किसके बराबर होगा, केटायन का चार्ज ज्यादा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा, केटायन पर चार्ज ज्यादा तो जल्दी जल्दी खींचेगा, पोलराइज ज्यादा करेगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। मैंने कहा था केटायन जितना छोटा होगा उतना खूंखार होगा,
फाई की वैल्यू ये बताती है कि वो कितना खूंखार है, पड़ोस पे नजर कितनी रखता है। जिसके फाई की वैल्यू ज्यादा होगी वो पड़ोस पे नजर ज्यादा रखेगा। तो जो भी हाई फाई होंगे, जो हाई फाई होंगे वो पड़ोसियों का भी ध्यान रखते हैं, और जो लो फाई होंगे वो बेचारे बीपीएल गरीब संत आदमी नहीं देखते हैं। दुनिया में लो फाई चार होते हैं बेटा, इनके फाई में इतना दम नहीं है कि पड़ोस में दे सके। बोलो कौन से चार लो फाई? एनए प्लस, के प्लस, आरबी प्लस, सीजीएम प्लस। ये चार ऐसे हैं जो लो फाई हैं, अदरवाइज सारे हाई फाई हैं। और फाई की वैल्यू बाकियों में भी, फाई की वैल्यू भी अगर मैं कहूं जैसे बेरिलियम 2 प्लस है, जैसे मैग्नीशियम 2 प्लस है, जैसे आपके पास कैल्शियम 2 प्लस है, जैसे आपके पास स्ट्रॉन्शियम 2 प्लस है, जैसे आपके पास बेरियम 2 प्लस है, तो जब आप इधर से इधर आ रहे हो तो देखो ये तो क्यू प्लस तो कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि चार्ज तो सेम हो गया। जब चार्ज सेम हो जाएगा तो साइज देखेंगे, लेकिन आर प्लस इंक्रीज हो रहा है इसलिए फाई क्या होगा? घटेगा। अब ये होने को सबके सब हाई फाई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हाई फाई बेरिलियम 2 प्लस, उससे कम हाई फाई बेरियम 2 प्लस। ऊपर से नीचे फाई की वैल्यू घटती है, ध्यान रखना ऊपर से नीचे क्या होती है, फाई की वैल्यू घटती है। डी ब्लॉक वालों का फाई हमेशा ज्यादा ही होगा किससे? एस ब्लॉक वालों से, ध्यान रख लेना। जब जब भी फाई ज्यादा होगा, जब जब भी फाई ज्यादा होगा, एक बात मैं अभी लिख देता हूं, जब जब भी फाई बढ़ेगा पोलराइजेशन बढ़ेगा, और पोलराइजेशन जब बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। आ जाइए इधर सवाल करते हैं, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन फॉलोइंग। चलिए देखो, लिथियम 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 केटायन सेम है, एनायन से आंसर करेंगे। एनायन जितना बड़ा होगा देने की नियत उतनी ही ज्यादा होगी, पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि ऐसा ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ एलआई, किसी को भी एक को देख लो, किसी को भी देख लो। अच्छा इसमें तो सॉरी, एनायन सेम हो गया तो फिर एनायन सेम हो गया तो केटायन की साइज बढ़ रही है। केटायन तो हमको छोटा चाहिए ना, मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए तो केटायन छोटा होना चाहिए, तो फिर डिक्रीज कर दो। इधर तो केटायन बढ़ रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर के ऑर्डर है मिटाइए। लिथियम इसमें किसी भी एक को देख लो, चाहे तो आप एनायन देख लो चाहे आप केटायन देख लो। चलो मैंने केटायन देख लिया, केटायन सबसे छोटा होगा उसी में कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। अब चाहे आप एनायन से भी देख लो कि एनायन सबसे बड़ा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कैसे भी देख लो, दोनों में से कोई भी एक देख लो। FnCl2, ये देखो ये प्लस 2 और ये प्लस 4, चार्ज बढ़ेगा केटायन पर, चार्ज बढ़ेगा तो खूंखार होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। MnO प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7, बताओ क्या कर दोगे? कोवेलेंट कैरेक्टर। यस प्लस 2, ये हो गया प्लस 3, क्या कर दोगे? इसको ज्यादा कोवेलेंट मान लोगे। यस Na Cu, डी ब्लॉक वालों का फाई ज्यादा होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। यस Ca Cd, डी ब्लॉक वालों का ज्यादा होता है फाई, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। यस प्लस 1, यस प्लस 2, यस प्लस 3, यस प्लस 4, यस यस यस, ये लो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर, ये हो गया खत्म। चले आगे, ये हो गए आपके कोवेलेंट कैरेक्टर के ऑर्डर। अगला देखिए आप, ये वैसे तो एस ब्लॉक का पार्ट है, मैं नहीं करवाना चाहिए वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन मैं करवाता हूं तो फिर जो बच्चे देख रहे हैं वो एक्सपेक्ट भी करेंगे कि ये वाला पार्ट क्यों नहीं था। चलिए एनीवेज, थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ आयनिक सॉल्ट्स हैविंग पॉलीएटॉमिक एनायंस। ध्यान रखना, ऐसे आयनिक सॉल्ट जिसमें जो ये एनायन होता है ना उसमें एक से ज्यादा एटम्स होते हैं उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक एनायंस। जैसे आपने एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस सुना, ये बेटा मोनोएटॉमिक एनायंस है, ये पॉलीएटॉमिक एनायंस नहीं है। ये पॉलीएटॉमिक एनायंस जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, बाइकार्बोनेट्स, ये सब क्या कहलाते हैं? एनायन तो हो लेकिन उसमें एक से ज्यादा एटम हो, उसको बोला जाता है पॉलीएटॉमिक एनायंस। तो ऐसे सारे सॉल्ट्स जिसमें पॉलीएटॉमिक एनायन हो, वो सब का थर्मल डीकंपोजिशन जो होता है वो फाई पर डिपेंड करता है। यानी कि ऐसे तमाम सॉल्ट्स जिसमें एनायन ऐसे हो, उन सबको फाई की वैल्यू से थर्मल डीकंपोजिशन निकाल के दे देंगे। आइए, जब जब फाई बढ़ेगा तो डीकंपोजिशन बढ़ेगा, टूटने की नियत बढ़ेगी। अरे भाई, जब टूटने की बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी तो कम हो जाएगी ना। तो थर्मल डीकंपोजिशन और थर्मल स्टेबिलिटी ऑपोजिट टर्म्स हैं। जब थर्मल डीकंपोजिशन बढ़ता है तो थर्मल स्टेबिलिटी घटती है, तो यहां थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। हो गई भाई। अब देखो, टॉप टू बॉटम हम पहले से जानते हैं बेटा कि टॉप टू बॉटम फाई घटता है। अभी पीछे बताया था बेरिलियम से लेके बेरियम तक किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम फाई हमेशा घटेगा, और फाई घटने से डीकंपोजिशन भी घटेगा क्योंकि फाई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फाई बढ़ेगा तो डीकंपोजिशन बढ़ेगा, फाई घटेगा तो डीकंपोजिशन घटेगा, और अगर फाई घटेगा तो डीकंपोजिशन घटेगा और थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये ध्यान रखना,
तो कोई भी इनमें से कोई भी आयनिक सॉल्ट हो जिसमें ये एनायन हो, मैं आपसे पूछूं कि बताओ थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ इसका, BaCO3 से लेकर BaCO3 तक थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, कैसे बताओगे? टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, खत्म, ये लो, टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो यहां से यहां तक थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं LiOH से लेकर है ना CsOH तक, बताओ थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ, ये सब हाइड्रोक्साइड बाइकार्बोनेट सल्फेट, तो ये भी इंक्रीज ही होगा बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी हमेशा ही क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी के सारे सवाल आप यहां से कर सकते हो, ऐसे थर्मल स्टेबिलिटी के जिसमें पॉलीएटॉमिक एनायंस हो, टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर देना। नेक्स्ट आइए, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स देखते हैं कैसे होता है। जो भी कार्बोनेट होगा, अच्छा पीछे एक बात रह गई वो सुन लो, जब इसको तोड़ते हैं तो ये जो X माइनस होता है ना, इसमें से गैस निकलेगा फ्रॉम एनायन, ये किससे बनती है, एनायन से, और रेसिड्यू बनता है फ्रॉम कैटायन। रेसिड्यू का मतलब है गैस तो निकल जाएगी, गैस तो निकल जाएगी, तो पीछे जो बचता है उसको बोलते हैं रेसिड्यू, ठीक है। तो रेसिड्यू कैटायन से बनना मोर ऑब्वियस है, जबकि गैस का एनायन से बनना मोर ऑब्वियस है, ठीक है। तो बताओ इसमें से कौन सी गैस अज्यूम कर सकते हो, इमेजिन करो CO2 निकल सकती है, इसमें से SO3 निकल सकता है, इसमें से NO2+O2 निकल सकता है, इसमें से H2O वेपर निकल सकती है, इसमें से H2O निकल सकती है, CO2 निकल सकती है, मेरी बात को समझ रहे हो। आइए, तो दुनिया का कोई भी कार्बोनेट हो, जब उसको हीट कर दोगे तो वो बन जाएगा MO+CO2 गैस निकाल देगा। तो जरा बताओ, आपसे लिख दिया CaCO3 हीटिंग, बोलो क्या लिखोगे, CaO+CO2, बात खत्म। अगर आपसे पूछ लिया Li2CO3, बोलो बताओ क्या बोलोगे, बनेगा क्या Li2O+CO2, क्या बनेगा CO2, ये लो, ये लो। तो इस तरह के एक स्टेटमेंट ध्यान रख लेना बस, कि लो फाई कार्बोनेट्स डू नॉट डीकंपोज, है ना, लो फाई कार्बोनेट्स डू नॉट डीकंपोज, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए लो फाई कौन से, सोडियम है ना, सोडियम पोटेशियम, ये चार है ना, लो फाई बताया था K2CO3, RB2CO3, उसके बाद CS2CO3, इनको जब आप हीट करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, डीकम्पोजिशन नहीं होगा, इनको जब हीट करोगे तो डीकम्पोजिशन नहीं होगा, इन चार के कार्बोनेट नहीं टूटते हैं, बाकी सारे कार्बोनेट्स टूट जाएंगे, ओनली हाई फाई कार्बोनेट्स टूटते हैं। नाइट्रेट में आ जाओ बेटा, नाइट्रेट में यहां पर लो फाई और हाई फाई दोनों टूटते हैं, ये जो MnO3 है ये आपका है लो फाई नाइट्रेट्स, क्या है ये, लो फाई नाइट्रेट्स, जैसे NaNO3 हो गया, चार ही तो है, KNO3 हो गया, RbNO3 हो गया और CsNO3 हो गया, ये चार ऐसे हैं जो फर्स्ट पैटर्न पर टूटेंगे, बाकी दुनिया का हर कोई ये जो है ये सब के सब क्या है, हाई फाई नाइट्रेट्स हैं, ये क्या है, हाई फाई नाइट्रेट्स, और हाई फाई कितने होते हैं, इन चार के अलावा सब होते हैं। तो मैंने यहां पर एक बार, तो पहले मान लीजिए मैंने लिख दिया KNO3 का थर्मल डीकम्पोजिशन बताओ रे, KNO3 का थर्मल डीकम्पोजिशन, तो बताओ KNO2+O2 बन जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले पैटर्न से टूटेगा, KNO3 तो लो फाई है। अगर मैंने लिख दिया लेड नाइट्रेट, अगर मैंने क्या लिख दिया लेड नाइट्रेट, तो वो उन चार में से नहीं है, यानी नीचे वाले पैटर्न पे टूटेगा बेटा, मेटल का ऑक्साइड प्लस NO2+O2, खत्म। मैंने लिख दिया जिंक नाइट्रेट, मैंने क्या लिख दिया, जिंक नाइट्रेट प्रोडक्ट बोलो क्या, ZnO+NO2+O2, खत्म। अच्छा मैंने यहां लिख दिया कैल्शियम नाइट्रेट लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया क्या, कैल्शियम नाइट्रेट, क्या बताओगे कैल्शियम नाइट्रेट का मतलब, कैल्शियम नाइट्रेट में CaO+NO2+O2, ये लो खत्म। इस तरह से, तो जो हाई फाई है उसके दो टुकड़े, सॉरी जो हाई फाई है उसके तीन टुकड़े, और जो लो फाई है उसके दो टुकड़े। सर दो टुकड़े तीन टुकड़े क्या कर रहे हो, अरे भैया देखो इधर, देखो इधर, दो इधर देखो, टुकड़े नहीं करने, भारत जोड़ो यात्रा, ये है दो, ये क्या है दो, और ये दो टुकड़े और ये है तीन टुकड़े। हाई फाई मतलब, हाई मतलब नंबर में ज्यादा होंगे टुकड़े, हाई फाई ज्यादा टूटता है, ये ध्यान रख लेना, जब फाई बढ़ता है तो डीकम्पोजिशन बढ़ता है, इसीलिए यहां पर टूटेंगे दोनों, लो फाई भी टूटेगा हाई फाई भी टूटेगा, लेकिन लो फाई के दो टुकड़े होंगे और हाई फाई के तीन टुकड़े होंगे, बस फर्क ये है। आइए आगे बढ़ते हैं, बाइकार्बोनेट्स का डीकम्पोजिशन, दुनिया के किसी भी बाइकार्बोनेट को गर्म करोगे तो वो कार्बोनेट में टूटेगा, Na2CO3+CO2+H2O, ये लो,
और इस रिएक्शन को बोलते हैं बेकिंग, बेकिंग सोडा है, और बेकिंग जो प्रोसेस होता है वो यही रिएक्शन होती है कि उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है और जो CO2 गैस रिलीज होती है वही आपकी ब्रेड को या केक को, ब्रेड को स्पंजी बनाती है, फ्लफी बनाती है उसमें, इसीलिए वो पोरस बनती है वो CO2 गैस के कारण, है ना। ऊपर एक बहुत काम की चीज लिखी हुई है कि खाली लोफाई एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड के अंदर, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि LiHCO3 डू नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड, ये ध्यान रखना, रीजन है, रीजन क्या लिखोगे, हाई फाई, रीजन क्या लिखोगे, रीजन क्या होगा, हाई फाई, हाई फाई बाइकार्बोनेट है और हाई फाई बाइकार्बोनेट सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं करते, ओनली लो फाई बाइकार्बोनेट जो है और ओनली लो फाई बाइकार्बोनेट एग्जिस्ट इन सॉलिड, यहां एक और लिख देना भाई, है ना, Only low-phi bicarbonates exist in solid. चलिए आ गया, ये solubility की बात करते हैं। S block salt में solubility दो energy पे depend करती है, पहला है lattice energy, दूसरा है hydration energy. Lattice energy जब ज्यादा होगी तो ये वाला strong lattice बनेगा, और जब strong lattice बनता है तो पानी में टूटता नहीं है, यानी lattice energy किसी की ज्यादा होने पर वो कभी फेवर नहीं करेगा उसको पानी में टूटने की, क्योंकि solubility का मतलब है जब आप किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में फेंकोगे तो प्लस माइनस का अलग हो जाना और प्लस को भी पानी सराउंड कर दे और माइनस को भी पानी सराउंड कर दे, इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रेशन। जिसका हाइड्रेशन जितना ज्यादा होगा उसकी सोल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, लेकिन अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो भैया इसके टूटने की नियत कम हो गई, और जब इसके टूटने की नियत कम हो गई पानी में जाके तो फिर ये सोल्यूबल भी कम होगा। इसीलिए याद रखना कि लैटिस एनर्जी कभी भी सोल्यूबिलिटी को फेवर नहीं करती है, लैटिस एनर्जी कभी भी सोल्यूबिलिटी को फेवर नहीं करेगी, इनवर्सली रिलेटेड होता है। जबकि नीचे देखो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी अभी बताया क्या, केटायन और एनायन को पानी जब बिना टूटे हुए सराउंड कर ले तो आयन डाइपोल टाइप का एक इंटरेक्शन होता है और उस टेम्पररी इंटरेक्शन में खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है, वो रिलीज एनर्जी कहलाती है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी का देशी भाषा में समझाता हूं, प्लस और माइनस को पानी द्वारा घेर लेना, पानी अगर प्लस और माइनस को घेर लेगा तो वो क्या कहलाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी, उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी। तो अगर ये टूटेंगे तभी तो इनको पानी चिपकाएगा, यानी इनके बीच में जब पानी घुस जाएगा, इनके बीच में जब पानी घुस जाएगा तो इसका मतलब है अपने आप ये ब्रेक हो जाएंगे और ये पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगे। तो हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा सॉल्युबिलिटी को फेवर करती है। समस्या कहां आती है वो सुनो, समस्या यहां आती है कि टॉप टू बॉटम R बढ़ता है तो लैटिस एनर्जी घटती है, और टॉप टू बॉटम चार्ज की डेंसिटी कम हो जाती है, R बढ़ता है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होती है। अब हम फंस गए कि सर अगर हम लैटिस एनर्जी से आंसर करेंगे तो फिर तो सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि लैटिस एनर्जी और सॉल्युबिलिटी का रिश्ता अलग है, उल्टा रिश्ता है, और अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी से आंसर करेंगे तो फिर हमारी सॉल्युबिलिटी तो घटेगी, क्योंकि अगर आप टॉप टू बॉटम देखोगे तो दोनों कम हो रहे हैं। अगर इन दोनों का रिश्ता सॉल्युबिलिटी के साथ एक जैसा होता तो हमको जरूरत नहीं पड़ती कि किसके लिए लैटिस एनर्जी देखें और किसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी देखें, लेकिन हम वहां फंस गए जहां पर ये दोनों टॉप टू बॉटम कम होते हैं, तो हमको पहले यह पता करना पड़ेगा कि किसके लिए लैटिस एनर्जी देखें और किसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी देखें। तो आइए अभी बता देते हैं आपको, खत्म कर दें बात। हां, किसी कंपाउंड्स आर मोर सोल्यूबल इफ देयर हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। ये तो खैर बता, किसी कंपाउंड का सोल्यूबल होना इसका मतलब है ये वाला, किसी दोनों कंपाउंड्स के पास दोनों तरह की एनर्जी होती है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। जब ये बना था तो लैटिस एनर्जी रिलीज हुई होगी, जब इसको पानी में फेंका तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी। जीतेगी अगर हाइड्रेशन एनर्जी तो कंपाउंड ज्यादा सोल्यूबल होगा, उस लड़ाई में अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो इसका मतलब है ये टूट जाएगा और कंपाउंड घुल जाएगा। तो याद रखना जो फेवर करता है सोल्यूबिलिटी का उसको ज्यादा होना जरूरी है, तभी घुल पाएगा बेटा, ठीक है, तभी अंदर क्या हो पाएगा, सोल्यूबल हो पाएगा। आइए यहां पर एक चीज देखते हैं, MDJ, क्योंकि समय कम है इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूं। मोहित दादित जुगाड़, जुगाड़ क्या कहता है बेटा, एल्कली मेटल, एम का मतलब है एल्कली मेटल, एल्कली मेटल का कार्बोनेट, एल्कली मेटल का बाइकार्बोनेट, फिर हाइड्रोक्साइड दोनों के, फ्लोराइड्स दोनों के, क्योंकि हम एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं ना, तो एस ब्लॉक का मतलब एल्कली मेटल्स यानी लिथियम वाला ग्रुप, और एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि बेरिलियम वाला ग्रुप। तो एल्कली मेटल के कार्बोनेट्स, एल्कली मेटल के बाइकार्बोनेट्स, मैंने यहां पर एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स नहीं लिखे हैं तो कंसिडर नहीं करने, जहां पर दोनों की चीजें लिखी है वहां पर दोनों के लिए कंसिडर करना है, ये सिर्फ एक के लिए,
ये सब में आपको सॉल्युबिलिटी इज डिसाइडेड बाय लैटिस एनर्जी, यानी कि टॉप टू बॉटम लैटिस एनर्जी कम तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, ठीक है। तो इनके अंदर, इन सब के अंदर सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ा दो, क्यों? क्योंकि ये डिसाइड होंगे लैटिस एनर्जी से, जो जो लैटिस एनर्जी से डिसाइड होंगे उन उनमें सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और इसके अलावा जितने हैं वो सब हाइड्रेशन एनर्जी से डिसाइड होंगे, यानी हाइड्रेशन एनर्जी कम तो सॉल्युबिलिटी भी कम। तो यहां पर जो बचे हुए हैं उनमें तो डिक्रीज करनी है, और जो बाकी ऊपर लिखे हैं उनके लिए इंक्रीज करनी है। जैसे यहां पर आ गया, ये उनमें से नहीं है जो ऊपर लिखे गए हैं, ये है आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट, यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी डिसाइडिंग फैक्टर है। जब जब हाइड्रेशन एनर्जी डिसाइडिंग फैक्टर होता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है ना, क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी कम तो सॉल्युबिलिटी भी कम, ठीक है भाई। उसके बाद हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड चाहे इसका हो चाहे इसका हो इंक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि इसमें लैटिस एनर्जी कम तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, और ये सेम इसमें भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये भी इंक्रीज कर दो, ये लो। कार्बोनेट है और वो भी अल्कली मेटल्स के हैं, अगेन सेम लग जाएगा बेटा, ये लो इंक्रीज कर दो। क्योंकि अगर कार्बोनेट, ये वाले कार्बोनेट है तो ये उधर नहीं है, इसमें हाइड्रेशन एनर्जी डिसाइड होगा, यानी कि यहां ये लिखना पड़ेगा कि हाइड्रेशन एनर्जी कम तो सॉल्युबिलिटी कम। आ जाओ बीच में, एल्कली मेटल के बाइकार्बोनेट, अगेन वही सेम चीज है, ये लो, ये लो। इस तरह से सॉल्युबिलिटी हम डिसाइड करते हैं। तो यहां पर जो आपने फैक्टर रखा, ये हाइड्रेशन एनर्जी रखा, और जहां जहां आप ये इंक्रीजिंग और एरो देख रहे हो, इन सब में हमने लैटिस एनर्जी देख लिया, एंड अगेन फिर से ये हमारा हाइड्रेशन एनर्जी हो गया, ठीक है भाई। आसान है, ये सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो जो लिखे हैं, मैंने कोई फालतू ऑर्डर्स नहीं करवाए हैं, रिवीजन का समय है, काम की बात करेंगे, तो ये काम काम के ऑर्डर्स हमने लिख दिए। आइए आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे, किस पर आते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी शुरू करते हैं। हां जी, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो ये कहती है कि, पहली चीज तो ये कि वो ये कहता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ऊपर जो लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि इट कैन बी, है ना, इट कैन बी अप्लाइड फॉर होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स। ये पहले ही बता देता हूं कि ये MOT की लिमिट नहीं, अपनी लिमिट है बेटा, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ होमो डाइएटॉमिक में पढ़ते हैं नीट के लिए, नीट में सिर्फ होमो डाइएटॉमिक आता है और 20 इलेक्ट्रॉन्स तक ही आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सर क्या हेटरोएटॉमिक के लिए एमओटी नहीं लग सकती, लग सकती है। मैंने ये नहीं लिखा कि इट कैन ओनली अप्लाइड फॉर, मैंने ओनली वर्ड यूज नहीं किया है, मैंने कहा कि ये इनके लिए लग सकती है। तो इनके लिए क्यों नहीं लग सकती, लग सकती, स्टेटमेंट गलत नहीं है, भावुक नहीं होने का, ठीक है। ये अपनी लिमिट नहीं है, ये अपनी लिमिट है, एमओटी की लिमिट नहीं है, एमओटी लग सकती है। चलिए, पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2 इज एक्सप्लेन्ड बाय एमओटी। तो O2 का जो पैरामैग्नेटिक नेचर है वो कैसे एक्सप्लेन किया गया, MOT ने एक्सप्लेन किया था, अभी थोड़ी देर बाद हम भी एक्सप्लेन करेंगे। आइए, अकॉर्डिंग टू MOT दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जितने मिलेंगे उतने बनेंगे। अगर यहां दो नहीं, अगर छह मिलेंगे तो उधर भी छह बनेंगे, 3 BMO 3 ABMO, ये ध्यान रख लेना। जैसे यहां पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ले लिए मैंने, एटॉमिक ऑर्बिटल्स और एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो यहां बनेंगे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक का नाम होगा BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एक का नाम होगा ABMO। ये एनर्जी का जो है, एनर्जी के बिहाफ पर देखोगे तो ABMO की एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए यहां चार और चार एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल थे, और एनर्जी कहीं नहीं गई है, ये 3 हो गया है, ये 5 हो गया है, अभी भी 5 और 3 जो है वो 8 एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी जो है वो कंजर्व है, ठीक है भाई। तो यहां चार चार थे, अब ये डिफरेंट हो गए ऐसे। तो जो हाई एनर्जी पर है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसका नाम होता है क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। याद रखिएगा बेटा, जब जब भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, BMO जब जब भी बनेगा, उसका ABMO उसी वक्त, उसी दिन, उसी क्षण साथ में बन जाएगा। यानी BMO जब जब भी बनेगा, ABMO बनेगा ही बनेगा। ये अलग बात है कि अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर रहे हैं और BMO में इलेक्ट्रॉन भर गए और ABMO खाली रह गया, तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचे तो क्या करें, बनेगा तो ये उसी वक्त,
जब भी किसी का बीएमओ बनता है उसका एबीएमओ तुरंत उसके साथ ही बनता है। जो लो एनर्जी पर होता है वो बॉन्डिंग होता है, और जो एंटी बॉन्डिंग है वो नाम से पता चल रहा है ये बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड तोड़ता है। इसका बॉन्डिंग के साथ एंटी है, ये बॉन्डिंग का एंटी है बेटा, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड तोड़ता है और बॉन्डिंग मतलब बॉन्ड बनाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएंगे वो तो बॉन्ड बनाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे वो बॉन्ड को तोड़ेंगे। आइए आगे सीखते हैं। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दो तरह से याद करना है, 12, 21 और 21, 21। सर ये 12, 21 क्या है? जैसे ये सिग्मा का बॉन्डिंग है, ये उसका एंटी बॉन्डिंग है, ये सिग्मा का बॉन्डिंग है, ये उसका एंटी बॉन्डिंग है। एनर्जी इस तरह से इंक्रीज हो रही है, इनकी बराबर, इनकी बराबर, इनकी ज्यादा। सेम चीज यहां पर भी है, यहां से यहां तक, ये देखो यहां से यहां तक क्या है, सेम है, यहां से यहां तक क्या है, सेम है, इधर से इधर तक क्या होगा, सेम चलेगा। लेकिन ये देखो आपने एक चेंज देखा, जो सिग्मा 2pz है, एक फिर चले लिख देता हूं कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है वो अपना क्या है, जेड है। यहां पर एक चीज नोट करी आपने कि सिग्मा 2pz इधर आ गया, यानी कि ये क्या है, डब्बे हैं। कौन से डब्बे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि ये एक डब्बा, ये दो डब्बे, ये दो डब्बा, ये एक डब्बा। इसको याद करने का तरीका है 1, 2, 2, 1, 12, 21। कैसे याद करोगे इसको? 12, 21। और इसको कैसे याद रखोगे? 2, 1, 2, 1, 21, 21। कैसे याद करोगे इसको? 21, 21। फर्क कितना है सिर्फ देख लेना, ये सिग्मा 2pz यहां पर बाद में आ गया और ये सिग्मा 2pz यहां पर पहले था। ये एक फिनोमिना होता है sp मिक्सिंग, जिसकी वजह से होता है। तो जो ये s अप टू n2 है, इसमें लिख देना विथ sp मिक्सिंग, sp मिक्सिंग होती है इसमें, और ये होता है विदाउट sp मिक्सिंग। ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है, बट क्या करें, एबनॉर्मल ज्यादा है तो वो देख लेंगे, कोई बात नहीं। नाम से ध्यान रखना बेटा, सोचना भी मत कि एसपी मिक्सिंग क्या होता है, पढ़ा तो कोई काम का नहीं है। उसके बाद भी दो ही फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, एसपी मिक्सिंग जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है। कैसे क्या होता है वो सब छोड़ो, आप तो ये देखो कि एसपी मिक्सिंग के बिना ऊपर वाला होता है, बियॉन्ड N2 का मतलब है O2, F2, Ne2, तीन ही तो है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। और अप टू N2 का मतलब क्या बेटा? लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन तक। ये 21 लगेगा, है ना, 21 लगेगा। किस किस के लिए? हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक 21 वाला फॉर्मेट रखना है। बस इसको यहां बाद में ले आना है, बाकी वो पहले रहेगा। एकमात्र चेंज है इधर और इधर। आइए अब कॉन्फिग्रेशन ऑफ O2, ठीक है, पहले N2 होगा, नहीं है O2 है पहले, कहां चला गया भाई? Yes, ये O2 नहीं है, इसको ठीक कर लो, ये है आपका N2, ठीक है। तो कॉन्फिग्रेशन ऑफ N2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ N2, टोटल इलेक्ट्रॉन बोलो कितने? 14 इलेक्ट्रॉन हमको भरने हैं यहां पर। कैसे भरेंगे आइए सिखाते हैं। एनर्जी लेवल ये वाला है, ये वाला एनर्जी लेवल है, जो सेम एनर्जी पे होते हैं पहले उनमें सिंगल सिंगल जाएंगे फिर डबल होंगे, ये तो सिंपल वाला रूल है, सभी लोग जानते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हो। तो ये वाला एनर्जी यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सुन लेना, 9, 10, 11, 12 ऐसे भरना है, 13, 14, ठीक है भाई, इस तरह से 14 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए। अभी देखते हैं आगे कॉन्फिगरेशन O2 का। O2 में भी इस तरह से ऑर्डर तो वही है, इक्वल, बस फर्क इतना है इसमें सिग्मा 2pz पहले है, ठीक है। तो यहां लगेगा आपका 12-21 वाला फॉर्मेट, और ये जो है इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है टोटल, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें? 16, यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, है ना, 14 नहीं हुए, 11, 12, 13, 14, और ये हो गया 15 और ये 16, है ना। एक बार वापस से देख लेना, काउंटिंग गलत तो नहीं हो गई, वैसे गलत नहीं है, इतना ही आएगा, काउंट कर लेना, है ना, हो सकता हो मैंने गलत बोल दिया हो, लेकिन 16 इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो इसमें और इसमें दो आएंगे। अब जरा एक चीज नोट करो, यहां पर दो अनपेयर्ड है इलेक्ट्रॉन इन पाई ए बी एम ओ, किसमें?
पाई के एबीएमओ में, ये पाई है और ये स्टार वाले एबीएमओ होते हैं बेटा, एंटी बॉन्डिंग होते हैं, तो पाई के, इसीलिए जो आपका ओ2 है वो क्या होता है, पैरा मैग्नेटिक होता है। कैसा होता है? पैरा मैग्नेटिक। आपसे पूछा जाएगा ओ2 पैरा मैग्नेटिक क्यों होता है, तो आप बोलोगे उसके पाई के एंटी बॉन्डिंग में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बात खत्म। ठीक है भाई, उसके बाद ये चीज ध्यान रखना कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। इस फॉर्मूले को देखकर आपको एक चीज समझ आएगी कि जब जब इधर वैल्यू बढ़ेगी तो रिजल्ट बढ़ेगा और जब जब इधर वैल्यू बढ़ेगी तो रिजल्ट घटेगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि बॉन्डिंग में है ना, बॉन्डिंग में वन इलेक्ट्रॉन, अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में वन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन बीएमओ तो फिर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज बाय 0.5। अरे भाई कोई एटम है उसमें दो इलेक्ट्रॉन का एक बॉन्ड होता है तो फिर एक इलेक्ट्रॉन का कितना बॉन्ड होगा, आधा। तो अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो बॉन्ड ऑर्डर आधे से बढ़ जाएगा। वही सेम इलेक्ट्रॉन अगर वो कम कर दूं तो फिर बॉन्ड ऑर्डर भी कम कर दूंगा, वो भी कितने से, आधे से। अगर अगर उल्टा सोचो, अब इसके एंटी बॉन्डिंग के लिए लिखते बेटा, अगर एक इलेक्ट्रॉन एबीएमओ में इंक्रीज इन एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग में बढ़ा रहे हो, एंटी बॉन्डिंग में बढ़ने पर बॉन्ड टूटता है तो फिर उल्टा आंसर आएगा, इधर बढ़ने पर घटता है तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा बाय 0.5। और अगर इधर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो एबीएमओ से तो फिर यहां पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा 0.5 से। खराब जगह पर बढ़ाओगे तो नुकसान होगा, और बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, और खराब जगह पे कम करोगे तो फिर फायदा होगा। तो ये हो गया आपका जुगाड़ की पॉइंट, ठीक है भाई, ये हो गया आपका की पॉइंट, एम डी जे की पॉइंट है ये, कि अगर आपको इतना समझ आ गया है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाला है। याद रखिएगा, जब जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी जब जब भी बढ़ेगी तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल के अंदर ज्यादा बॉन्ड होंगे, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ घटेगी, बॉन्ड लेंथ घटेगी, जितने ज्यादा बॉन्ड उतना ज्यादा अट्रैक्शन, उतना ज्यादा नजदीक। ठीक है, अब देखिए बात को, इफ बॉन्ड ऑर्डर सेम, अगर किसी दो स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो फिर हमको क्या चेक करना है कि एबीएमओ इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। मोर द एबीएमओ इलेक्ट्रॉन्स लेसर द स्टेबिलिटी। एबीएमओ इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी पर होते हैं, एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स खराब होते हैं, वो जितने ज्यादा होंगे, खराब इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को उतना ही खतरा है। इसीलिए जब कभी दो स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो फिर एबीएमओ से चेक कर लिया जाता है, एबीएमओ के इलेक्ट्रॉन से चेक कर लिया जाता है। एमडीजी, अगर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन 1 से 8 तक के बीच में दिखे, 1 to 8 दिखे, है ना, 1 to 8 दिखे अगर, तो फिर आपको क्या करना है वो सुन लो, फिर आपको करना है क्या, फिर आपको क्या करना है, ऑड नंबर वाले जो भी हैं, जो भी ऑड नंबर वाले हैं वो तो हैं 0.5, आधा बॉन्ड ऑर्डर होगा, वैल्यू निकाल के देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद इवन नंबर में 2 और 6 आएंगे और 4 और 8 आएंगे, कहां तक, 1 से 8 तक, तो 4 और 8 वाले में 0 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा और 2 और 6 वालों में 1 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, 14 से 20 है, ठीक है, 14 से 20 है, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं, इसको यहां से हटाकर इसको थोड़ा अलग से समझ लेते हैं। आइए 14 वालों का क्या होगा, 3 होगा, 14 वालों का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। जैसे मैं आपको पीछे निकाल के बता सकता हूं, हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन वाला नाइट्रोजन ये रहा है, जरा बताओ इसका बीएमओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2, बीएमओ मतलब स्टार के बिना वाले, 1 2 3 4 5, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए माइनस, है ना, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस 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 माइनस, बोलो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 10 माइनस, ये देखो स्टार वाले कितने हैं, 1 2 4 हुए, 10 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया। तो फिर यहां से देखो एक जादू दिखाते हैं, आप इधर से इधर जब जाओगे तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन एबीएमओ, आप देखो कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन उठा लो, ये है कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन, ये लो ये लो, ये 14 यहां हो रहे, 15वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में, जैसे ही 15वां एक गया बॉन्ड ऑर्डर
एंटी बॉन्डिंग में गया तो आधा कटेगा यानी तीन है, तो यहां हो जाएगा जैसे ही एक यहां 15 हुए ढाई, फिर 16 दो, फिर 17 डेढ़, फिर 18 एक, फिर 19 कितना 0.5, फिर 20 इसी में वापस आएगा जीरो, यानी कि कुल मिला के जब आप 14 से 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक भरते हो तो इलेक्ट्रॉन ABMO में भरता है, यानी बॉन्ड ऑर्डर जो है वो डिक्रीज बाय 0.5 ईच टाइम। हर बार एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर आधे से कम होता जाएगा। यहां देखो, अगर मैं ये बोलूं, यहां देखो अगर यहां से मुझे निकालना हो, पीछे जाना है, ये 14 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं बेटा, अगर मैं इसमें से एक निकाल दूं तो 13, दूसरा निकाल दूं तो 12, मैं निकाल कहां से रहा हूं, क्या ये सब 8 तक, 8 का मतलब यहां तक है, मैं यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, 6, कितने निकालूंगा, 6 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो 8 पे पहुंच जाऊंगा। अगर मैं यहां से 6 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो निकालूंगा कहां से, सोचो कहां से निकालूंगा, वो बॉन्डिंग से निकालूंगा, और बॉन्डिंग से निकालने पर भी बॉन्ड आधे से कम हो जाएगा। अगर एंटी बॉन्डिंग में बढ़ा रहे हो तो भी टूटेगा, है ना, एंटी बॉन्डिंग में, ये देखो एंटी बॉन्डिंग में बढ़ा रहे हो, एंटी बॉन्डिंग में बढ़ा रहे हो तो भी बॉन्ड टूट रहा है, और बॉन्डिंग से घटा रहे हो तो भी बॉन्ड टूट रहा है, बात एक ही है। तो इसका मतलब है अगेन हम इधर से इधर जब भी जा रहे हैं, इधर से इधर हम जब भी जा रहे हैं, यानी यहां से यहां तक हम जब जा रहे हैं तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड या इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस फ्रॉम BMO, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर भी डिक्रीज होगा बाय 0.5, है ना, ये देखो यहां से यहां तक। तो इसीलिए इसको तीन मानकर, इसको सेंटर तीन मानकर इधर भी आधे आधे से कम कर दो और इधर भी आधे आधे से कम कर दो। हो सकता हो अब तक आपने ये याद किया हुआ हो, लेकिन आज आपके पास इसकी फील है कि इधर से इधर जा रहे हैं तो ABMO में बढ़ रहे हैं इसलिए घट रहे हैं, और इधर से इधर जा रहे हो तो BMO में घट रहे हैं इसलिए घट रहे हैं, ना वो काम की जगह से निकल रहे हैं इसलिए कम हो रहे हैं। एनीवेज चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक नेचर की बात कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक नेचर की बात कर ले तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, अगर वो ऑड नंबर में है तो पैरा होंगे, अगर वो इवन नंबर में है तो डाया होंगे, लेकिन इवन नंबर में बोस का ध्यान रखना है, बोस का स्वभाव पता होना चाहिए भाई सबको, बोस का स्वभाव पता होना चाहिए, B2O2S2 बोस, BOS बोस का, सिर्फ बोस के आयंस का नहीं, ऐसा नहीं कि O2 प्लस देख रहे हो, O2 प्लस का मतलब कितना हो गया, O2 प्लस का मतलब कितना हो गया, O2 के 16 इलेक्ट्रॉन, O2 प्लस के 15 इलेक्ट्रॉन, तो 15 वाला तो वैसे ही वहां जा रहा है ऑड नंबर पे, तो आप सीधा पैरा लिख दीजिए। इनके आयंस के लिए आपको कोई एक्सेप्शन ध्यान नहीं रखना है, यहां मैंने आयंस नहीं लिखे हैं, न्यूट्रल लिखे हैं, तो सिर्फ इन्हीं का ध्यान रखना है, बोस का ध्यान रखें। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हुए, इवन नंबर होते हुए ये पैरा होगा, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन होते हुए ये पैरा होगा, तो इसका ध्यान रख लीजिएगा भाई, ठीक है भाई। ये हो गई आपकी MOT, जो कुछ मैंने पढ़ाया है MOT का उसका ध्यान रख लेना। बस एक और चीज है, जैसे कोई आपको मान लीजिए ऐसा कोई सवाल दे दिया कि मान लीजिए आपको दिया O2 2+, फिर दे दिया आपको O2+, फिर दे दिया आपको O2, फिर दे दिया O2- और फिर दे दिया O2 2-, ऐसा दे दिया, ठीक है, और पूछ लिया क्या बॉन्ड ऑर्डर, क्या पूछ लिया बॉन्ड ऑर्डर, तो सिंपल सी बात है, बॉन्ड ऑर्डर जो है इसका 2 होता है, इसका कितना होता है 2.5 होता है, और इसका 3.0 होता है, इसका कितना होता है तो इसका होता है 1.5 और इसका होता है 1.0, यानी कि इधर से इधर आ रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फिर बॉन्ड ऑर्डर और ये बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं इसी में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा बेटा, अगर बॉन्ड लेंथ पूछे तो ऑर्डर उल्टा कर देना, ठीक है भाई। आइए एच बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं। एच बॉन्डिंग जो है वो बेसिकली फोन के बीच में हाइड्रोजन आएगा तो एच बॉन्डिंग हो जाएगा। जब भी कोई हाइड्रोजन FON से जुड़ता है तो उसमें पोलैरिटी आ जाती है, उस बॉन्ड में क्या आ जाती है, पोलैरिटी, जैसे XH, तो ये X की जगह पे F हो सकता है, O हो सकता है, N हो सकता है, और इस तरह की जब पोलैरिटी डेवलप हो जाती है तो ये मॉलिक्यूल पोलर बन जाता है, और जब मॉलिक्यूल पोलर बन जाता है तो ऐसा पास वाला पोलर मॉलिक्यूल फिर से इसके पास आ जाता है। ऐसे तमाम पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में जिस बॉन्ड से अट्रैक्ट होते हैं उनको कहते हैं एच बॉन्ड। यानी कि मैं ये कह दूं कि हाइड्रोजन फोन के बीच में फंस गया, हाइड्रोजन जब भी फोन के बीच में फंसेगा एच बॉन्डिंग हो जाएगी। तो याद रखिएगा, व्हेन हाइड्रोजन इज लिंक्ड विथ
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक एफ ओ एन मॉलिक्यूल एक्वायर्स पोलैरिटी एंड सच पोलर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड ईच अदर अट्रैक्ट ईच अदर बाय एच बॉन्डिंग. ऐसे पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में जिस बॉन्ड से अट्रैक्ट करते हैं उसका नाम होता है एच बॉन्डिंग. होने को इसके अलावा भी एच बॉन्डिंग कर सकता है, हाइड्रोजन एसपी हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से भी कर सकता है, बट वो सब ऑर्गेनिक में आ जाएगा, अपने आप पता लग जाएगा. कुल मिला के गेम ये है कि इसकी इनकी जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर किसी की पहुंच जाती है, जैसे कार्बन से कोई माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो खींच लेता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उस वजह से वो भी बर्क हो सकता है, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी एच बॉन्ड कर ले. लेकिन वो सब स्पेशल केस है, वो इनऑर्गेनिक के नहीं है. हम सिर्फ अभी उतनी बात करेंगे जितनी एनसीईआरटी में दी हुई है इनऑर्गेनिक के. एच बॉन्डिंग इज ए स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. इनफैक्ट ये भी एक डाइपोल हो गया, पोलर मॉलिक्यूल, और ये भी पोलर मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं डाइपोल. तो ये डाइपोल डाइपोल हो गए, ठीक है. तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही है. दूसरा, लोन पेयर का होना जरूरी है नेगेटिव वाली साइड पे, यानी कि जहां पार्शियल नेगेटिव वाला पॉइंट है वहां लोन पेयर पार्शियली डोनेट होता है. ये आपके बियॉन्ड द डिस्कशन वाली बात है और आउट ऑफ कोर्स वाली बात है, इसलिए नहीं डिटेल में जाएंगे. इतना ध्यान रखना कि लोन पेयर तो होना ही चाहिए, इस वाली साइड पे लोन पेयर का होना जरूरी है, इस वाली साइड पे लोन पेयर का होना जरूरी है, ठीक है भाई. कम से कम एक. दो तरह की एच बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर. इंटरमोलिकुलर नाम से पता चल रहा है इंटरनेशनल, दो देशों के बीच, तो ये भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच या मॉलिक्यूल्स के बीच, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. अब मुझे अज्यूम करो एक केस जिसमें मैंने यहां से मैं मतलब मान लीजिए तीन लोग हैं और तीनों ने हाथ ऐसे पकड़ के खड़े हैं, इंटर हो गया बेटा वो, मतलब ये वाली साइट पास वाले के लिए खुली हुई है, तो ये वाला मॉलिक्यूल एक ये जुड़ा हुआ है दूसरे से इस तरह से. प्रेजेंट विद इन मॉलिक्यूल, अगर वही तीन लोग जो ऐसे हाथ पकड़ के खड़े थे एक दूसरे के, अब अगर अपने दोनों हाथों को जोड़ दें तो वो ऐसे हो जाएंगे, मतलब वो तीनों लोग अब ऐसे खड़े रहेंगे. अब अज्यूम करो कि मेरे पास इधर दो लोग और खड़े हैं, ठीक है, मेरे ही जैसे, फोटोकॉपी कर लो, है ना. तो मेरा और उनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, खत्म हो गया. तो मतलब हम तीन के बीच में अट्रैक्शन कम हो गया, और पहले वाले केस में हम तीनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा था. जब हमारे तीनों के बीच में एसोसिएशन या फिर अट्रैक्शन बोल दो ज्यादा होगा तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा आएगा, हम नहीं टूटेंगे. दूसरी बात, विस्कोसिटी ज्यादा होगी. विस्कोसिटी का मतलब होता है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, तो ज्यादा तो उसी में है. उसके बाद हमारा नेचर लेस वोलेटाइल होगा, आंधी आई तूफान आई हम उड़ेंगे नहीं क्योंकि हम तीनों को हाथ पकड़ के खड़े भाई. लेकिन यहां पर अगर हम तीनों अलग से हाथ ऐसे बांध के खड़े हैं तो आंधी तूफान में उड़ सकते हैं, आंधी तूफान में उड़ सकते हैं. तो मोर वोलेटाइल हो गया, लेस विस्कोसिटी हो गई, लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया, लेस एसोसिएशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स हो गया. तो याद रखिएगा, इंट्रा में लेस एसोसिएशन, इंटर में ज्यादा एसोसिएशन. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं. आइए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं. ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का वोलेटाइल नेचर पैरानाइट्रोफिनोल से ज्यादा क्यों होता है? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रा होती है इसीलिए अट्रैक्शन कम हो जाता है मॉलिक्यूल्स में, तो वोलेटाइल नेचर बढ़ जाता है. उसका उल्टा इधर इंटर होता है तो मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो वोलेटाइल नेचर कम हो जाता है, क्योंकि ये सब लिखा हुआ है. इंटर में वोलेटाइल नेचर कम है और इंट्रा में वोलेटाइल नेचर ज्यादा है, तो जो इंट्रा है वो मोर वोलेटाइल हो गया, खत्म. ठीक है, ये लो. नेक्स्ट आइए, ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड इज लिक्विड बट पैरासैलिसिल एल्डिहाइड इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. अरे भाई, ये है ऑर्थो, ये है इंट्रा, और इंट्रा है तो मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन कम है. ये है पैरा और ये है इंटर. ये क्या है? इंटर. और इंटर है तो इसका मतलब है अट्रैक्शन ज्यादा है. जब मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो नेचर कैसा हो जाएगा? सॉलिड. और वो कैसा हो जाएगा? लिक्विड, है ना, क्योंकि अट्रैक्शन जैसे जैसे ज्यादा होता है सॉलिड कम होता है, लिक्विड और कम होता है गैस. ठीक है, सारी कहानी मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन की ही तो है. आइए अगला, HF. एच बॉन्डिंग इन एच एफ मॉलिक्यूल्स. एच एफ मॉलिक्यूल्स में एच बॉन्डिंग क्या है? देखिए, देखो जिगजैग स्ट्रक्चर होती है एच एफ की, ध्यान रखना. मैंने पहली ऊपर वाली दोनों स्ट्रक्चर को गलत बनाया है और ये वाली स्ट्रक्चर को सही बताया है. कारण जब हाइड्रोजन टर्मिनल पे, हाइड्रोजन जब कॉर्नर पे होता है तो स्ट्रक्चर को बेंट नहीं कर सकता बेटा. बेंट करने के लिए हमेशा लोन पेयर की जरूरत पड़ती है. हाइड्रोजन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होता, इसीलिए जब भी हाइड्रोजन को कोने पर देखो जिगजैग में तो काट देना. हाइड्रोजन कोने पे, हाइड्रोजन कोने पे, हाइड्रोजन कोने पे नहीं हो सकता. हाइड्रोजन के दोनों तरफ स्ट्रक्चर लीनियर रहनी चाहिए.
यानी अब आप ढूंढो, ये देखो हाइड्रोजन है, दोनों तरफ लीनियर है, सीधा बॉन्ड 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 है, और फ्लोरीन जो है वो किनारे पर है, फ्लोरीन जो है वो किनारे पर है, कॉर्नर्स पे है, कॉर्नर पे है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, तभी स्ट्रक्चर को बेंट किया जा सकता है। अगर लोन पेयर नहीं है तो स्ट्रक्चर बेंट नहीं होगी, इसीलिए यहां पर ए गलत, बी गलत और सी जो है वो सही होगा। एच बॉन्डिंग इन एच टू ओ सॉलिड, आइस में एच बॉन्डिंग होती है, 3D एच बॉन्डिंग होती है ना, इस तरह से ओपन केज आ जाता है, बीच में एक पिंजरा बन जाता है और पिंजरे की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाता है और वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाती है। ये आइस की बात है। अब सुनो, अगर हम आइस को हीट करें तो आइस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर जाता है। अगर हम आइस को हीट करते हैं तो आइस क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू कर जाता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करता है तो इसका मतलब है कुछ एक आध दो एच बॉन्ड उसमें टूटेंगे। पानी में भी एच बॉन्डिंग होती है, आइस में भी होती है, लेकिन पानी और एच बॉन्डिंग में, आइस की एच बॉन्डिंग में फर्क इतना ही है कि जो ओपन केज होता है ना, वो केज आइस में बड़ा होता है और पानी में जब आप उसको कन्वर्ट करते हो, मेल्ट करते हो, तो वो केज थोड़ा सा श्रिंक होता है। यानी श्रिंक जब भी होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट जब भी बोलेंगे तो जब आइस पानी की तरफ जा रहा है तो अपना वॉल्यूम कम कर रहा है, और अगर वॉल्यूम कम करेगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए बोला जाता है आइस की डेंसिटी कम और डेंसिटी वाटर की जो है वो ज्यादा होती है। इसीलिए बोला जाता है कि आइस जो होता है, आइस जो होता है वो फ्लोट्स ऑन वाटर, है ना। यानी कि जो बर्फ है वो पानी पर क्यों तैरता है, क्योंकि बर्फ की डेंसिटी जो है वो कम होती है, पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है। आइए, यहां एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें एनसीईआरटी में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। हाइड्रोजन चैप्टर में कहा है कि जो ऑक्सीजन होता है बीच वाला, उसको चारों ऑक्सीजन, जो सराउंडिंग के चारों ऑक्सीजन है, वो बराबर डिस्टेंस पे होते हैं या नहीं होते हैं। तो उसके लिए अगर ए, ये ए डिस्टेंस और बी डिस्टेंस इक्वल आ जाए, तो ये भी इधर भी ये सब सेम है, मैंने दो को कंपेयर किया है, तो इसका मतलब है ये सही है। देखो बेटा, इस ऑक्सीजन से उस ऑक्सीजन जाने का रास्ता एक हाइड्रोजन बॉन्ड और एक कोवेलेंट बॉन्ड से होकर गुजरता है। ये भी सेम हो गया, एक हाइड्रोजन बॉन्ड और एक कोवेलेंट बॉन्ड तक गुजरना पड़ेगा। इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन तक आना है तो भी एक कोवेलेंट बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड से होकर गुजरना पड़ेगा। सीक्वेंस जरूर बदल गई, अब पहले कोवेलेंट बॉन्ड आ गया और बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, लेकिन रास्ता तो सेम है, आपको दो ही चीजें पार करनी है, एक कोवेलेंट बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड पार करना है। यानी कि इधर से इन चारों ऑक्सीजन के पास जाने का रास्ता एक हाइड्रोजन बॉन्ड और एक कोवेलेंट बॉन्ड से ही गुजरता है। इसका मतलब है ये चारों ऑक्सीजन जो आपको दिख रहे हैं ये इक्वल डिस्टेंस पर है, तभी तो हमने बोल दिया ए इज इक्वल्स टू बी। तो ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय फोर इक्वल डिस्टेंस ऑक्सीजन, ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू। लेकिन अगर बोल दे ऑक्सीजन इज सराउंडेड बाय फोर इक्वल डिस्टेंस हाइड्रोजन, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के इस तरफ वाले हाइड्रोजन एच बॉन्डेड है, जबकि ऑक्सीजन के इस तरफ वाले हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड हैं। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेंथ कम होती है, यानी एक्स जो है वो छोटा हो जाएगा और वाई जो है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये है आपकी कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ, ठीक है, और ये है आपकी एच बॉन्ड लेंथ, एच बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो फर्क है, एच बॉन्ड तो वीक बॉन्ड होता है तो डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन चारों तरफ, ऑक्सीजन के चारों तरफ सेम डिस्टेंस पर ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, यस ट्रू। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, कहा जाए कि क्या ऑक्सीजन के चारों तरफ जो हाइड्रोजन है वो भी सेम डिस्टेंस पर है, आंसर है गलत, नहीं। क्यों? क्योंकि चार में से दो तो एच बॉन्डेड है और दो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, वो कभी इक्वल डिस्टेंस पर नहीं हो सकते बेटा, ठीक है भाई। तो ये कुछ बातें थी जो आइस के लिए एच बॉन्डिंग से जुड़ी हुई थी। अब बात करते हैं कुछ और वीक फोर्स की, डाइपोल बेस्ड फोर्स की बात करते हैं। जितने वीक फोर्स हैं वो मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करते हैं। आयन्स इन्वॉल्व वाले अलग होते हैं, जिनमें आयन नाम आएगा, और ये हो जिसमें आयन इन्वॉल्व नहीं होता है। यस, देखिए वंडरवॉल फोर्स उसी को बोला जाता है जिसमें आयन का नाम नहीं आता है। यहां पर आयन आ गया तो वंडरवॉल फोर्स नहीं कहलाते हैं। आयन डाइपोल का मतलब हो गया, एक तो आयन होगा और डाइपोल का मतलब होता है बेटा पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये जो कहलाता है आईडी, आईडी कहलाता है क्या, आयन डाइपोल, मतलब आयन्स और पोलर के बीच में। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब होता है किसी को देखकर बना हुआ पोलर है, अभी ये जिसको देखकर बना हुआ है वो आयन है,
आयन जब तक साथ में है ये पोलर बन के रह रहा है, यानी कि ये पैदा पोलर नहीं हुआ था, यानी कि ये पैदा पोलर नहीं हुआ था। तो इसका मतलब है ये पैदा कैसा हुआ था, नॉन पोलर, तो लिखना पड़ेगा आयन्स और नॉन पोलर के बीच में। नेक्स्ट देखिए, डाइपोल डाइपोल प्रेजेंट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। हाँ, एच बॉन्डिंग को इससे अलग कर देना, क्योंकि एच बॉन्डिंग का डाइपोल, एच बॉन्डिंग भी डाइपोल डाइपोल का स्पेशल केस है, तो हम अलग से पढ़ चुके हैं। तो जिसमें एच बॉन्डिंग नहीं है फिर भी अगर वो मॉलिक्यूल पोलर है लेकिन एच बॉन्डिंग नहीं है तो फिर वो सारे केस आ जाएंगे, कौन से, डाइपोल डाइपोल के केस आ जाएंगे। अगला, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी एक तो हो गया बेटा पोलर और एक इंड्यूस्ड डाइपोल है। जो भी इंड्यूस्ड डाइपोल होता है वो पैदाइशी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। सर पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे? अरे भाई, डाइपोल मोमेंट पढ़ा दिया ना, जिसका म्यू जीरो होता है वो नॉन पोलर और जिसका म्यू नॉन जीरो होता है वो पोलर होता है। ये देखो, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल यानी कि एक वक्त के लिए कोई पोलर बना, यानी पैदा तो यह भी पोलर नहीं हुआ, जब यह एक वक्त के लिए पोलर बना, थोड़े से समय के लिए पोलर बना, तो इसने पास वाले को भी पोलर बना दिया, यानी कि ये दोनों ही पोलर नहीं है भैया। पैदाइशी पैदाइशी दोनों के दोनों क्या है, नॉन पोलर है। तो जब दोनों स्पीसीज नॉन पोलर हो तो वहां पर हमेशा लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी बोलते हैं इसको, LDF, या फिर IDID भी बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है IDID, पूरा शॉर्ट नेम है। इसका नाम हो जाएगा DID, इसका नाम हो जाएगा DD, और इसका नाम हो जाएगा IID, और इसका नाम हो जाएगा ID, शॉर्ट नेम लिख दिए। अब स्ट्रेंथ, वैसे तो ये सब के सब वीक हैं, लेकिन स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग एक यानी आईडी। उसके बाद इंड्यूस्ड जो भी होते हैं वो नकली होते हैं, तो फिर बिना इंड्यूस्ड वाला लेकर आओ ए। उसके बाद एक इंड्यूस्ड हुआ कंप्लीट चार्ज से और एक इंड्यूस्ड हुआ पार्शियल चार्ज से, तो पहले कंप्लीट चार्ज वाला आएगा फिर पार्शियल चार्ज वाला आएगा, और ये तो सबसे वीक आएगा क्योंकि दोनों में से कोई भी पोलर नहीं है, तो सबसे वीक हो जाएगा। ठीक है, इसको देखने के लिए इधर देखो, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट बिटवीन फॉलोइंग स्पीसीज। तो H2O जब भी देखा तो ऐसे मत बोल देना कि डाइपोल डाइपोल है, ना ना ना, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तो एच बॉन्डिंग कर सकता है, तो फिर यहां पर हम एच बॉन्डिंग लिखेंगे। फिर उसके बाद ये एना, ये एक आयन है और ये नॉन पोलर है। आयन और नॉन पोलर का मतलब पहले आयन, जब नॉन पोलर उसके पास जाएगा तो पोलर बन जाएगा, यानी आयन से इंड्यूस हुआ हुआ डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। उसके बाद Br2 यानी दोनों नॉन पोलर हो गए, LDF हो गया बेटा, या फिर IDID बोल दो। CO2, इसका भी म्यू जीरो, इसका भी म्यू जीरो, अगेन ये भी LDF हो जाएगा, दोनों नॉन पोलर हैं। CCl4, अगेन ये भी LDF हो जाएगा। उसके बाद Na+Cl-, भावुक नहीं होना है, ये तो आयनिक बॉन्ड है, ऐसा क्या हो गया मैंने अगर दे दिया तो, ठीक है ना। आ जाइए Li+, आयन डाइपोल, पोलर मॉलिक्यूल है ये आयन है, ये पोलर है, तो आयन डाइपोल सबसे पहला वाला। HCl, डाइपोल डाइपोल, HCl क्या होता है, डाइपोल डाइपोल। ये देखो नॉन पोलर नॉन पोलर, NPNP का मतलब नॉन पोलर नॉन पोलर, तो ये नियोन नियोन कहलाएगा, LDF, क्या कहलाएगा, LDF। ये नॉन पोलर है लेकिन पानी पोलर है, तो फिर अगर पोलर के साथ नॉन पोलर है तो नॉन पोलर भी पोलर बनने की कोशिश करेगा, तो नाम हो जाएगा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल DID, यानी कि जो हेलो, ये जो इनर्ट गैस की पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी होती है ना, वो इस वाले फोर्स से एक्सप्लेन की जाती है। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस जब भी पानी में जाएगी तो फोर्स कैसा लगेगा, ऐसा फोर्स लगेगा। जो हाइड्रेशन होता है ना बेटा, हाइड्रेशन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हाइड्रेशन में कैसा फोर्स लगता है, प्राइमरी फोर्स ये लगता है। हाइड्रेशन मतलब आयन, आयन पानी में गया तो पानी और आयन के बीच में ये वाला डाइपोल आयन डाइपोल इंटरेक्शन लगता है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। दो छोटी छोटी चीजें रह गई थी केमिकल बॉन्डिंग में, हालांकि ये मतलब इसको पहले उस वक्त कराना था, वो रह गई थी, वो देख लेते हैं। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि डी कौन सा डी यूज हुआ है, तो डी वाले हाइब्रिडाइजेशन हमने तीन पढ़े हैं। सबसे पहला काम है सबके साथ DZ² लिख दो, लिख दिया। इसमें एक डी चाहिए, इसमें दो डी चाहिए, इसमें तीन। अब उसमें एक चाहिए तो एक तो लिख दिया, बात खत्म हो गई। दूसरा जो है वो इसमें DX²Y² लिख दो, एक्सियल पहले लेने हैं, ये दो एक्सियल होते हैं और तीन बिटवीन एक्सिस होते हैं, तो मतलब दो यहां आ गए। अब दो भी हो गया खत्म, यहां तीन चाहिए, तो फिर तीन में से दो तो वही होंगे पहले वाले, और एक जो है वो DXY हो गया। तो इसको डब्बे को याद कर लेना, जब भी सवाल आएगा वो ऐसा ही आएगा। कैसे सवाल आएगा, पूछेगा SF4 में कौन सा डी यूज हुआ है, तो आपका काम है इसका पहले मॉलिक्यूल का टाइप निकालोगे, AB4L1 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका SP3D आएगा, और तुरंत आप बोल दोगे DZ² हो जाएगा।
ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल पूछे कि कौन सा डी यूज आएगा, तो आपका सबसे पहला काम है उस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो सेंट्रल एटम का और अकॉर्डिंगली आंसर दे देना, कर लोगे। उसके बाद जो बचा था वो था बॉन्ड एंगल, रह गया था बॉन्ड एंगल का ट्रिक। यहां पर लिखा हुआ है बॉन्ड एंगल का ट्रिक लिखा हुआ है, देखिए 5 मिनट में इसको खत्म करने की कोशिश करें। सबसे पहला काम जब कभी भी बॉन्ड एंगल दिया हुआ हो, ऑर्डर दिया हुआ हो, आप चेक करो कि कोई लीनियर ज्योमेट्री तो नहीं है उसमें, क्योंकि लीनियर ज्योमेट्री होने वाला बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, दो बॉन्ड के बीच में 180 से ज्यादा बॉन्ड हो ही नहीं सकता। बॉन्ड एंगल का मतलब है दो पास पास के बॉन्ड के बीच का थीटा एंगल, वो कहलाता है बॉन्ड एंगल। तो यहां देखिए अगर ज्योमेट्री लीनियर है तो फिर लीनियर ज्योमेट्री हमने पूरी VSEPR में दो ही पढ़ी है, एक तो Ab2L0 और एक Ab2L3। अगर इस तरह के कोई मॉलिक्यूल्स हो जाए, वापस ध्यान से सुन लो, Ab2L0 या Ab2L3 टाइप का कोई मॉलिक्यूल आ गया तो फिर उसको तो मैक्सिमम कर देना। अगर यह नहीं हो रहा है, ठीक है, उससे नहीं हो रहा है, तो एक स्टेप आगे आएंगे कि अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो तो फिर sp का एंगल, sp2 का एंगल और sp3 का एंगल में sp वाला ज्यादा, sp2 कम और sp3 कम होता। अगर 3 स्पीसीज दी हुई है या 2 स्पीसीज दी हुई है जिनका हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, लेकिन इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, आगे फिर फंस जाएंगे। ऐसी स्पीसीज दे दी जिनका हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, तो सबसे पहले चेक करो अगर लोन पेयर नहीं है, अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है तो गिव योर आंसर अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। मतलब अगर यहां पे लिखा हुआ है BF3, BCl3 और BBr3, तो यहां पर आप एक चीज नोट करो कि लोन पेयर कैसे देखेंगे। तो देखो ये Ab3L0 है, ये भी Ab3L0 आएगा, ये भी आपका Ab3L0 आएगा। बेटा जब लोन पेयर है ही नहीं सेंट्रल एटम के पास, तो इक्वल कर दो, क्योंकि सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। तो गिव योर आंसर अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम देन बॉन्ड एंगल विल बी ऑल्सो सेम, है ना, बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन इस तरफ आओ, अगर ऐसा कोई केस है जिसमें लोन पेयर है, ऐसा केस नहीं है कि लोन पेयर ही नहीं हो किसी के पास सेंट्रल एटम के पास, तो अगर ऐसा केस है कि लोन पेयर है और फिर भी हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। लोन पेयर बढ़ाओ एंगल घटाओ। फिर अगर हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाए और नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो जाए, तो अगले स्टेप में आते हैं कि सराउंडिंग एटम की साइज बढ़ने पर बॉन्ड एंगल बढ़ता है और सेंट्रल एटम की साइज बढ़ने पर बॉन्ड एंगल कम होता है। ठीक है भाई, तो आओ आगे वाले सवाल करते हैं। यस, CO2NO2+HCF2। देखो सबसे पहले VSEPR लगा के देख लो, क्या ये Ab2L0 है, क्या ये Ab2L0 है, यस, क्या ये भी Ab2L0 है, यस, क्या ये Ab2L3 है, यस, तो ये सबके सब लीनियर होते हैं, बराबर कर दो। सबके सब क्या होते हैं, लीनियर होते हैं, बराबर कर दो। यस, ये लीनियर है, मुझे पता है, ये Ab2L0 है, ये Ab3L0 है और ये Ab4L0 है। चाहो तो आप हाइब्रिडाइजेशन से भी कर सकते हो, ये sp है बेटा, ये sp2 है और ये sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन ही डिफरेंट हो गया तो एंगल कम कर दो, 180 डिग्री, 120 डिग्री और 109.5 डिग्री एंगल कम कर दो। फिर अगर यहां पे देखोगे तो ये है बेटा आपका Ab4L0, ये है आपका Ab3L1 और ये है आपका Ab2L2। अब आप एक चीज नोट करो, हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp3, हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp3 और हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp3। हाइब्रिडाइजेशन सेम है और नंबर ऑफ लोन पेयर अलग अलग है, तो हम यहां पर हैं, हाइब्रिडाइजेशन सेम है और नंबर ऑफ लोन पेयर अलग अलग है, तो लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। तो लोन पेयर ज्यादा कहां है, ये वाला देखो, इसमें लोन पेयर 0 तो एंगल ज्यादा, 1 तो और कम, 2 तो और कम, इस तरह से बॉन्ड एंगल का सवाल होते हैं। अभी पीछे कर लिया BCl3, BBr3, Bi3 तो पीछे कर लिया है ना। इसके बाद CCl4, ये भी देखो, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब Ab4L0 हैं, सब के सब क्या है, Ab4L0 हैं और सबका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है, sp3, तो इक्वल कर दो, क्योंकि किसी के पास लोन पेयर नहीं है, सेम चीज ऊपर वाले जैसा ही है बेटा। तो आप इस तरफ हैं, इस तरफ, ये यहां पर है, यहां से आंसर जाएगा। आओ
NCl3, PCl3, इन सबको अगर देखोगे तो ये सबके सब Ab3L1 निकल के आएंगे और सबका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 आएगा। हाइब्रिडाइजेशन सेम है और नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम है, यानी कि हम अब सबसे आखिरी वाले पार्ट पे आ चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम, तो फिर हमको या तो सराउंडिंग एटम की साइज देखनी है या सेंट्रल एटम की। सराउंडिंग एटम इसमें क्लोरीन 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 सेम है, तो फिर सेंट्रल एटम की साइज देखो। नाइट्रोजन से बड़ा, फॉस्फोरस से आर्सेनिक और एंटीमनी, तो सेंट्रल एटम की साइज बढ़ने पर बॉन्ड एंगल कम होता है। अगला आइए, यहां पर फिर से देखिए, ये सब के सब Ab3L1 है और इन सबका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। अगेन वही केस है, बट इस बार कुछ चेंज है। यहां पर सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम इंक्रीज कर रहा है, और सराउंडिंग एटम जब इंक्रीज करेगा तो साइज बढ़ेगी। और एक कर लो आठवां, जैसे मैंने लिख दिया OCl2 और OBr2, यानी लिख दिया Cl2O और Br2O लिख दिया। तो देखो आप खुद सोचो, ये दोनों के दोनों क्या है, Ab2L2 है और दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। तो फिर क्लोरीन ब्रोमीन में ब्रोमीन बड़ा है, तो यहाँ पे लिख दोगे, तो ये सराउंडिंग एटम की साइज बड़ी तो बॉन्ड एंगल बड़ा, ये वाला कॉन्सेप्ट लग गया इसमें। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया कि सेंट्रल एटम नहीं, इसमें भी सराउंडिंग एटम की साइज ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। इसमें कौन सा लगाया, सेंट्रल एटम की साइज बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल घटेगा, ठीक है भी, ये वाला है, बाकी तो आपको पता ही है। तो मैं आई होप मैंने ये सारी चीजें जो हैं, बॉन्ड एंगल वगैरह सब कुछ मैंने प्रयास अच्छे से कर लिया है, सारी चीजें हो चुकी हैं, है ना। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने पूरी कोशिश करी है हर उस कॉन्सेप्ट तक पहुंचने की जिससे सवाल आ सकते हैं, हर उस कॉन्सेप्ट से। इसके अलावा भी मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आपको 100% चीजें दे दी हैं, नहीं, मेन बैचेस में इससे ज्यादा छोटी छोटी चीजें और बताई जाती हैं। उससे सबसे बड़ी बात, मेन बैच में थोड़ा स्पीड भी कम होता है। तो ये सीरीज आपकी रिवीजन के लिए है, ये सीरीज आप, अगर आपके पास मेन बैचेस के नोट्स हैं आप डेफिनेटली पहले वो पढ़िए, क्वेश्चंस करिए, है ना, उसके बाद यहां पर आकर एकदम आप एक या दो घंटे में जो भी जैसा है, ये टू आवर्स का वीडियो है तो उसमें आप रिवाइज करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ने में व्यस्त रहिए। शुक्रिया, थैंक यू।